गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, बताइए कैसी गुजरी ईद की छुट्टियां हैं भाई। बहुत सारे लोगों ने एक लंबा वीकेंड एंजॉय किया, ईद की छुट्टियां 3 दिन की अलग और सैटरडे संडे फिर आ गया। तो जनाब गोश्त खा खा के वजन तो बढ़ा ही लिया होगा। और वैसे जो मुझे ईद पे चेंजेस लगी अब, वो ये होता है कि जब पहले मुझे अच्छे से याद है कि कोई बकरा ईद पे खास तौर पे ईद की इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की जाती थी। कोई लॉन का जोड़ा चढ़ा लिया या कुर्ता वगैरह ले लिया, और वो गर्मी की वजह से, जाहिर है इतनी गर्मी होती है, किचन में भी रहना होता है, गर्मी की वजह से ज़्यादा तैयारी नहीं होती थी और वो लॉन के हल्के से पेस्टल कलर्स के कुर्ते पहन के जो है ना, ये इस तरह ईद मन जाती थी। कुछ उड़े हुए कपड़े होते थे कभी, क्योंकि जाहिर है किचन से इधर उधर डाइनिंग टेबल पर दावतें, ये सारे खाने इंतज़ाम, ये सब घर की औरत की जिम्मेदारी होती है। मगर अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर आम से आम और ख़ास से ख़ास शख्सियत जो है वो अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं ईद की, तो इसीलिए अब सिर्फ उन लोगों को नहीं दिखाना जो हमारे घर मेहमान बन के आए, बल्कि वो बहुत सारे लोग जो सोशली जिन्हें हम जानते हैं, उन सबको भी तो हमारा इंस्टा या फेसबुक देखना होता है या स्नैपचैट देखना होता है, इसीलिए तैयारियां जोरों शोरों से होती हैं। मैं तो देख रही थी कि कभी कभार आप ऐसे ही सर्च कर रहे होते हैं तो आम जो घरेलू फैमिलीज थी उनकी भी तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोर से थी, क्योंकि जाहिर है लॉकडाउन की वजह से इतना तो आप इतना कहीं जा नहीं सकते थे। पहले दिन लॉकडाउन था, रेस्टोरेंट्स वगैरह तो नहीं खुले हुए थे, सेकंड डे से थोड़ा बहुत खुले रेस्टोरेंट्स, मगर सब ने एक दूसरे के साथ ही टाइम पास करना था, तो सब ने बड़ी अच्छी सी तैयारी की और मैं आपसे सबकी तैयारी शेयर भी करूँगी। अभी सारी सेलिब्रिटीज़ ने बड़े अच्छे से तैयार होकर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ तस्वीरें खिंचवाई और वो हमने सारा ज़खीरा जमा कर लिया। आज का हमारा शो क्या है? आज का हमारा शो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी, बड़ा काम वाला शो है आज का। होता क्या है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बकरा ईद के बाद शादियाँ होती हैं, शादियों का सीज़न होता है। अब हमारे बजट्स होते हैं हर चीज़ के लिए, ईद के कपड़ों के लिए अलग बजट है जी, किसी की शादी हो रही तो उसके लिए अलग बजट है। तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि भाई आप ईद पे जो भी आपने कपड़े बनाए हैं आप उसे शादी में कैसे पहन के जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। अब ये जो जोड़ा है ये मैंने ईद के लिए, रोज़ीना मुनीब ने मुझे बना के दिया था, ईद के लिए मैंने उनको ऑर्डर प्लेस किया था और ये जोड़ा मैंने बनवाया अपने लिए, जिसका सिर्फ यहाँ काम है, बाकी सब प्लेन है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। अब अगर मैं ये जोड़ा शादी में पहन के जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हरे भरे जोड़े पहन के जाऊँ। ये मैंने ईद पे पहना और मैं अब आगे चल के इसको यूटिलाइज़ कैसे करूँगी ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बैठ जाती हूँ ज़रा, अच्छा बैठ के ज़रा सुकून से होगी चीज़। ये देखिए, ये अब मैंने एलॉर के ज्वेलरी है मेरे पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट पीस है, और ये जो है ना, मतलब लाइक गोल्ड की तो नहीं है, तो इतनी महंगी भी नहीं है, हमारे बारे में आ सकती है अगर आपने इसे ईद के बजट और शादी के बजट को मिला के ही ख़रीद लिया है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं थोड़ा सा मेकअप शादी के लिहाज से कर लूँगी, जो मैंने अभी मेकअप किया हुआ है, और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी अपनी पहन लूँगी जिसकी वजह से मेरा जोड़ा इन्हेंस होगा। मेरे पास ऑप्शंस हैं, या तो मैं इयररिंग पहनूँगी, ठीक है, और एक रिंग पहन लूँगी इस तरह हाथ में, ये ऐसे रिंग आ जाएगी, ये एक हाथ में रिंग पहन ली तो, और क्लच ले लिया साथ, तो ये मेरे जो ईद की तैयारी थी, जो ईद के बजट था, वो मैं शादी में भी यूटिलाइज कर लूँगी जो ईद के बाद की आएंगी। ज्वेलरी पहन के मैंने थोड़ा इसको फॉर्मल लुक दे दी। फिर मेरे पास ऑप्शंस और भी हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें, शहज़ादी ज़रा आ सकती हैं आप, शहज़ादी को भेजिए। अब अगर फ़र्ज़ करें मैंने अपने बाल खोले हुए हैं, ठीक है, उस वक्त मैं ज्वेलरी इयररिंग्स नहीं पहनना चाहती, तो मैं एक कोई नेकलेस इस तरह डाल सकती हूँ अपने गले में, इस तरह, जैसे ये है नेकलेस शहज़ादी। चलिए मैं आपको ब्रेक के बाद आके दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये दुपट्टा फिर मुझे हटाना पड़ेगा इस तरह, तो ये नेकलेस मैं अपने कपड़ों के साथ मैच कर सकती हूँ, जूड़ा बांध सकती हूँ या कोई टीका लगा सकती हूँ, और ये कपड़े मेरे अच्छे शूज़ और अच्छे क्लच के साथ शादी पे भी चल जाएंगे।
तो मैंने क्या किया, अपने शादी पे जाने वाले कपड़ों का बजट और ईद पे जो कपड़े पहनने हैं उनका बजट मिक्स कर लिया। अब मेरे पास ज्यादा बजट हो गया तो मैं ज्यादा बेहतर जोड़ा खरीद सकती हूँ। तो आज हम आपको बेसिकली सारी सेलिब्रिटीज जो यहाँ पे आएंगी वो अपने ईद के कपड़े लेकर आएंगी और सारी एक्सेसरीज के साथ आपको ये गाइडलाइंस देंगी कि ये कपड़े आप अपने आगे के लिए, मतलब लाइक ईद के कपड़े किसी और ओकेजन के लिए कैसे एक्सेसराइज कर सकते हैं। किसी बर्थडे में जाना है, किसी शादी में जाना है, ठीक है ना, ये है आज का हमारा टॉपिक। और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो ईद की पिक्चर्स है मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज की, आइए उनका पैकेज हम आपसे शेयर करते हैं। कौन है सबसे पहली सेलिब्रिटी? अच्छा, आयजा तो हमेशा तैयारी में, तस्वीरों में आगे आगे रहती हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखें आयजा की ये तैयारी थी। कपड़े दिखाएं जरा भाई, ये हल्का फुल्का सा आयजा ने मेकअप किया, गार्डन में शूट कराया और कॉटन के कपड़े पहने हुए थे, ट्विनिंग की हुई थी भाई हुरैन ने और आयजा ने, बहुत अच्छी लग रही हैं और बकरों के साथ भी शूट हुआ, बहुत डिफरेंट और प्यारा शूट था। ये कौन है, ये भी आयजा है? हाँ जी, आयजा ने तो एक दिन में तीन तीन कपड़े पहने, मैं तो वही हैरान रह गई थी। अब ये आ गई हेरा मानी, हेरा ने मुझे, मेरे घर आई थी हेरा, हेरा ने मुझे बताया कि भाई मैं थान खरीद के आ गई थी आशियाना से और फिर मैं मिक्स से मैच करके जो है वो साड़ियाँ बनाई। तो साड़ियों के बगैर तो हेरा की जो ईद है वो अधूरी है। अब ये माया के मुझे कपड़े बड़े प्यारे लगे इसने, मुझे लग रहा है हुसैन रिहार के कपड़े पहने थे, चूड़ियों की, ये देखे ना चूड़ियों की मैचिंग और पूरा प्लेन ब्लैक था, उसके ऊपर ट्राउजर पे काम था, ये वाइट कपड़े भी, ये शूट बड़ा प्यारा था, लगता है अपनी छत पे कराया है फूलों के साथ, वाइट कपड़े पहने और उसके साथ घूमते फिरते, बड़ी प्यारा फोटोशूट था, ग्रीन कलर के, मुझे लगता है ये माया के अपने ही जोड़ा था, अपनी ही ब्रांड का माया प्रिंट। सबा कमर के भी बहुत खूबसूरत जोड़े थे, ये भी मेरे ख्याल से हुसैन रिहार का था या नवेद रांझा का था, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था और बहुत प्यारे जो है ना वो लाइक इसको एक्सेसराइज किया हुआ था। अच्छा, तो लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने इस्तीफा जो है वो बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स डाली, बड़ा मज़ा आ रहा था फारिक वक्त में देखने का कि किस किस ने क्या क्या पहना है और हम इंजॉय कर रहे थे बाकायदा। हमने भी फोटोशूट कराया था, मैंने और यासर ने और बच्चों ने। अच्छा, बहुत सारे पीछे पड़ गए ना लोग, बड़े बच्चों को क्यों नहीं कराया भाई, बड़े बच्चों का भी कराया लेकिन बड़े बच्चे अब अपने पेजेस पे ही डालते हैं पिक्चर्स ना, हम नहीं उनके पिक्चर्स डालते क्योंकि हम तो इम्यून हैं बुरे कमेंट्स के और ट्रोल होते हैं, हमारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अब वो जो बड़े बच्चे हैं वो सेंसिबल हो गए हैं तो मैं इसलिए उनकी पिक्चर्स नहीं डालती अब, क्योंकि माशाल्लाह ट्रोलर्स जो है ट्रोल करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते और एक से एक गंदी से गंदी बात कहने में या दिल दुखाने में आगे होते, तो इसीलिए फिर मैं अपने बच्चों की पिक्चर्स नहीं डालती कि उनका, वो सेंसिटिव है, उनकी थोड़ी बढ़ती हुई एज है, उनका दिल ना दुखे। तो जवाब मैंने दे दिया, अब मैं दिखा रही हूँ आपको बाकी के दिनों की पिक्चर्स। आइए जी दिखाई कौन कौन सेलिब्रिटी है, मैं बताती जाऊँगी। ये है शाइस्ता, कितनी प्यारी लग रही हैं, और ये शाइस्ता का जोड़ा, ये रमशा है, ये मिनाल है, मिनाल की पिक्चर, ये नवाल है, नवाल की ईद की पिक्चर्स, ये जवेरिया और सऊद, इन्होंने अमेरिका में ईद सेलिब्रेट की, ये हानिया है, हानिया की पिक्चर्स, और ये हिना और आगा की पिक्चर्स हैं, ये लाहौर गए हैं मेरे ख्याल से ईद करने के लिए, और ये हैं अहमद अली भट्ट, मिस्टर मिसेज अहमद अली भट्ट, फातिमा और अहमद, इन्होंने भी खूब बड़े अच्छे से ट्विनिंग करके कलर कोऑर्डिनेशन के बाद सीने खिंचवाई। उर्वा हुसैन आपके सामने, हमेशा बड़ी प्यारी लगती हैं, आज भी बहुत अच्छी पिक्चर है इनकी। यमुना, यमुना भी बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे, ये जर्निश है, हाँ जर्निश को कोविड भी हो गया भाई, अल्लाह उसको जल्दी जल्दी सेहत याबी दे, ये जर्निश की पिक्चर्स हैं। सोनिया हुसैन की नहीं मिली तुम लोगों को? सोनिया ने बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, और ये है हरीम, हरीम ने बड़े बड़ी अच्छी लग रही हैं, हरीम सूरज में इन्होंने तस्वीरें ली हुई हैं, दोरे फिशा, आहा अपनी फ्रेंड्स के साथ
कजन के साथ पिक्चर्स डाली हैं। मुझे ना सोनिया के कपड़े बड़े प्यारे लगे, उसने पूरा ना वाइट कलर की, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पिक्चर्स भी बड़ी आला लेती है भाई, इतना प्यारा कॉम्बो लगा, वाइट शलवार कमीज मर्दाना, उसकी जो आस्तीने हैं जाजेब कमर ने ये डिजाइन की थी, आस्तीने जीन्स की हैं और वो फेडेड जो जीन्स होती है उस टाइप की, और जो उसने परांदे लगाए ना दोनों, अभी चुटिया जिस तरह बांध के परांदे लगाए, वो बाकायदा स्टाइलिंग की है उस ड्रेस की, जो उसने जूते पहने हैं, मैं तो एक एक चीज देख रही थी, बड़ा मजा आ रहा था देखने में कि यार कहाँ से सोच के फैशन लाई है, सबसे डिफरेंट। मुझे सोनिया की तस्वीरें पूरी जितनी भी लड़कियां थी उनमें सबसे बेस्ट लगी, कंफर्टेबल मटेरियल पहना हुआ था उसने और बहुत अच्छी स्टाइलिंग की हुई थी। तो ये थी हमारी सेलिब्रिटी की पिक्चर्स। यार हमारी पिक्चर्स नहीं दिखाई तुम लोगों ने, अच्छा ब्रेक के बाद दिखाएंगे, भाई हमारा पूरा फोटो सेशन है, जरा स्पेशल पैकेज बना के दिखाएंगे आपको। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत मज़ेदार अपनी इस ईद की यादों को डिस्कवर करेंगे, जो ईद हमारी गुजरी, और आपको बहुत सारी टिप्स देंगे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ यहाँ आके कि आप अपने कपड़ों को, ईद के कपड़ों को खास तौर पर और दूसरे ओकेजन्स के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी सेलिब्रिटीज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और अपनी बहुत सारी टिप्स के साथ, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आपको हेल्प आउट करने आई कि आप अपनी ईद के ड्रेसेस को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और पार्टी के लिए, शादी के लिए, दावत के लिए। हमारे साथ हैं जी मौजूद जिया अली, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, शादी के बाद पहली ईद कैसी गुजरी? बहुत जबरदस्त, बहुत एक्साइटेड है, मजा बाद लेजीनेस भी है लेकिन मजा बहुत आ ये है। तो ज्यादा खाते हैं तो लेजीनेस तो होती है। हाँ, मैंने ज्यादा खाया नहीं लेकिन मैं समझती हूँ सैरें बहुत ज्यादा की हैं, आउटडोर हम लोग बीच पे भी गए, सैर करने वाला मियाँ मिल जाए तो यही होता है भाई। ही कांट स्टे इनसाइड, है ना? तो सुबह उठते साथ ही, हाँ क्या प्लान है, क्या प्लान है, कहाँ चलना है, आई लव दिस एनर्जी एंड आई एम आउटडोर पर्सन एंड माशाल्लाह ही इज एन आउटडोर पर्सन। एक और दुल्हन हमारे पास, नताशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक ठाक। आपकी भी शादी के बाद पहली बकरा ईद है? ये पहली बकरा ईद है ना, मतलब लाइक छोटी ईद, छोटी ईद थी पहली, वो पहली ईद तो छोटी ईद थी, हाँ। फिर ये दूसरी ईद है, ये बड़ी ईद है, ये बड़ी, हाँ। तो आपका कैसा रहा? अच्छा, मजे का, घूमते फिरते रहे? घूमते फिरते रहे क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी को जब काम नहीं होता तो आवारागर्दी करते रहते हैं, रिश्तेदारों में चले गए, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, पहुंच गए, हाँ जबरदस्ती के मेहमान नहीं होते हैं जो वहाँ पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, तब हम आपसे मिलने आए, शादी के बाद हम आपसे मिलने, ये होता ही होता है। हमारे साथ शमीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप सबको भाई ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपने अपनी ईद कैसे गुजारी भाई? बकरे ईद पे ये पहला हाफ डे तो कुर्बानी में निकल जाता है, हाँ। उसमें लगे हुए होते हैं घर में सब, उसके बाद शाम में अम्मी के यहाँ सब लोग मिलने आते, हाँ। हैं जो रिश्तेदार हैं, कजन हैं वो सब, सेकेंड डे हम लोग निकलते हैं, एक कजन के घर गेट टुगेदर होता है, उधर हम सारे बारबेक्यू मोस्टली होता है बकरे ईद में, बारबेक्यू ना, इट मींस इनकम्प्लीट फॉर मी स्पेशली, तो वो फिर हम अपने कजन के घर करते हैं, एंड थर्ड डे फॉर अ चेंज दिस टाइम वी ऑल वेंट आउट टू ईट ऑल्सो, आई नो एसओपीज के साथ बहुत ख्याल, मतलब कल भी काफी लोग निकले हुए थे क्योंकि कल आखिरी दिन था, आज से रेस्टोरेंट बंद हो गए, अब तो आउटडोर डाइनिंग भी बंद हो गई फिलहाल, ब्रेक चाहिए, आई थिंक हमारी आवाम को ब्रेक चाहिए। जोर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक, खैर मुबारक। आप बताए आपकी दूसरी ईद है ये? नहीं, ये मेरी पहली पहली बकरा ईद, जी पहली ईद, ये यहाँ तीन तो ये पहली ईदों वाली लोग मौजूद है ना यहाँ, newly married, जी हाँ ना, वही तो कह रही हूँ, तुम्हारा भी साल तो पूरा नहीं हुआ मेरे ख्याल में, नहीं फर्स्ट एनिवर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गई है, अच्छा मेरी नेक्स्ट मंथ में है। अरे नाइस, ये बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है शादी और फिर ईद, हाँ इट्स जस्ट बिकम कम्प्लीट, डबल डबल मजा, लाइफ अजीब सी कम्प्लीट सी लग रही है। लेकिन मैंने कोई शायद पहली ये दो ईदें थी कि मैंने अपने माँ बाप के बगैर गुजारी है, तो मैं इतना अंदर से मतलब मैं बड़ी खुश भी थी कि मैं अपने मियाँ के साथ हूँ और ससुराल में हूँ, ये खुशी अलग थी मेरी, लेकिन अंदर से ना कहीं से मुझे हॉल पड़ रहे थे कि मैं हमेशा अपने माँ बाप के साथ होती हूँ तो मैं अभी नहीं हूँ, हाँ, मैं अभी उनके पास नहीं हूँ, हाँ। और अम्मी मुझे इतना मिस करे, इतना मिस करे, मतलब मेरी माँ का बस नहीं चल रहा था, मेरी अम्मी तो मुझसे इस वाली ईद पे लड़ी है, जी मैं एक ही हूँ ना, वही तो मेरी अम्मी इस ईद से पहले मुझसे लड़ी है
कि तुमने वो वाली ईद अपने ससुराल में की थी, ये यहाँ आके करो लाहौर। वेरी गुड। लाहौर में होती है मैंने कहा। हाँ, ये शहरों का जब आ जाता है ना तो फिर वो बहुत डिस्टेंस। हाँ, वैसे भी लाइक हमारे यहाँ मैं अगर अपने अम्मी अबू के घर जाती हूँ तो हमेशा से ये सिस्टम चला रहा है इतने साल बाद भी शादी के कि रात को उनसे मिलने जाती हूँ। तो सारा दिन तो मैं अपने घर पे ही होती हूँ ना। वो आप जहाँ पले बड़े हैं घर को छोड़ के, अच्छा जी वो भी खड़े खड़े आऊंगी कि भाई थकन हुई भी है सारा दिन हमने, हमारे घर में सब जमा होते हैं, हमारा ट्रेडिशन ये है, यहाँ से सबसे बड़े भाई हैं तो सारे जो है वो हमारे घर में जमा होते हैं। सुबह कुर्बानी 7 बजे हमारे पास, नमाज पढ़ के जैसे ही आते हैं 7:30 नमाज पढ़ के घर आते हैं और लेकर आते हैं कसाईयों के साथ, और तभी हो जाती है कुर्बानी। फिर उसके बाद गोश्त से मैं तो मियावत हांगकांग से ले आई हूँ, हांगकांग से कराची ले आई हूँ। अच्छा, उसका उसको मैंने शिफ्ट कर लिया, मैं उसी घर में हूँ। हांगकांग में कैसी ईद गुजारती, जस्ट इमेजिन। आई थिंक अगली छोटी ईद का प्लानिंग है इस दफा, तो वहाँ भी सख्त लॉकडाउन नहीं, लेकिन हांगकांग में तो वो वाली चीज तो नहीं होती। पता नहीं हांगकांग में है कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत सारी है। अच्छा, बहुत एशियन कम्युनिटी है और लकीली इमरान इज वेरी मच इन्वॉल्व। अच्छा, फिर तो मैंने पीटीआई की वजह से भी और अपने सोशल वर्क की वजह से भी, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ बच्चों को कोच करते हैं क्रिकेट, उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो अभी जब हमारे कुछ इंटरव्यूज वहाँ छपे तो इतनी लेडीज की मुझे कॉलें आती हैं, इतनी दुआएं आती हैं हांगकांग से। तुमने क्या पहना है ईद पे, तस्वीरें दिखाए ना, तस्वीरें दी है? हाँ, मैंने बहुत सारी दिखाओ भाई तस्वीरें, ईद के तीनों दिन की तस्वीरें स्टार्ट करके नताशा से स्टार्ट करूँ। तस्वीरें जो है जिस तरह सेट की, जिस ऑर्डर में, ये भाई नताशा की। अच्छा, ये ईद का ना सेकंड डे है, ये हम लोग गए थे जगह का नाम है, अच्छा ये तो मिक्स कर दिया, ये तो पहला दिन है, तुम बताती जाओ ना। हाँ, ये पहला दिन है ये वाले ड्रेस में, और आगे ये एक्चुअली ये आप सोचेंगी कि एनिवर्सरी ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वो वाली एनिवर्सरी थी हमारी परसों रात को जब इन्होंने मुझे पहली दफा प्रपोज किया था शादी के लिए। अच्छा, वो दिन वो सारी जिंदगी के लिए दिमाग पे लिखा गया ना, तो उसको बड़ा उसको मनाते हो तुम, बड़ा मनाया उसको, मनाया। तो ये तो खैर वो वाला ईद के साथ साथ वो वाला दिन है, और ये ईद फर्स्ट डे मैडम की सेटिंग के अलावा घर की सेटिंग देख रहे हैं, जबरदस्त है। Well, ये कराची वाला घर है हमारा। अच्छा अच्छा, ये हम लोग ना थर्ड डे गए थे फॉरेस्ट, हमारे रेस्टोरेंट ये हम डिनर करने चले गए थे थर्ड डे ईद के फॉरेस्ट, और वहाँ पे यासिर नवाज से मुलाकात हुई, तो हमने कहा चलो तस्वीरें। औरतें कितनी तैयार होती हैं, मर्दों के लिए निकरे पहन के चले जाएं गर्मी। अच्छा, मेकअप भी नहीं करना पड़ता यार। हाँ, यही ना। अच्छा, ये हम लोग जो है ना, हम लोग सारी फैमिली गए थे, लेकिन ये बीच में मेरे मियाँ के बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। अच्छा, तो इनकी अभी ना 10-12 दिन पहले शादी हुई है, तो इस कपल का हमने डिनर किया हुआ था। अच्छा जी, तो ये वो तस्वीर है। ओके, ये मेरी सास है इस तरफ। अच्छा अच्छा, तो ये कब की तस्वीर है, ये कौन से दिन की है? ये थर्ड डे है। अच्छा अच्छा, सॉरी ये सेकंड है। ये फर्स्ट है, ग्रीन ये वाला ड्रेस का फर्स्ट है, वो सेकंड है, और आप वाला जो है फॉरेस्ट वाला रेस्टोरेंट वाला वो थर्ड डे है। चलो, रिपीट क्यों कर रहे हो पिक्चर्स, क्या हो गया? प्यारी लग रही होगी उनको, रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। अच्छा, तो नताशा जी, क्या ईदी वीदी मिली? वरना तो इस ईद पे तो ठेंगा दिखा देते कि भाई बकरे। हाँ, ईदी नहीं होती। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे मियाँ से सिर्फ मुझे ईदी मिली है। हाँ, बाकी सब बड़ों ने मुझे ये कहा गोश्त है, गोश्त ले लो। हाँ, गोश्त वाली ईदी होती है। ईद पे तो मैं भी बची रही, वरना मैं दे देती थी ईदी, तो मैं भी बची रही। मैंने कहा अच्छा ये गोश्त वाली ईद है, लेकिन बच्चों को तो फिर भी, जैसे मेरी नंद की दोनों बेटियां हैं छोटी छोटी क्यूट सी, तो उनको तो देनी बनती है, उनको क्या पता अभी गोश्त और ये वो, तो वो क्यूट सी है, तो उनको ईदी मैंने भी दी और मेरे मियाँ ने भी दी, और फिर मैंने कहा मेरी ईदी कहाँ है। एक्चुअली हम लोगों ने, मेरा बेटा तो बड़ा उदास रहा, उसको छोटी ईद पे बड़ी ईदी मिली थी, पूरा पर्स भर गया था ना छोटी ईद पे। कहा कि ये ईद तो वैसी उदासी की है, एक तो मेरे बकरे आप लोगों ने ज़बह कर दिए और ऊपर से मुझे ईदी भी नहीं मिली, तो ये तो मेरी तो उदासी की है। लेकिन मोस्टली नहीं होती ईदी एक्सचेंज बकरे ईद पे, है ना? नहीं, मुझे बच्चे ही ये बात समझने के लिए बच्चे नहीं समझते, बच्चों को लगता है छोटी ईद बहुत। हम जब खुद छोटे थे हमें खुद बहुत अट्रैक्ट करती थी छोटी, क्योंकि उसमें ईदी मिलती थी। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी चीज होती है। मैं भी ईद का वर्ड याद रहता है कि ईद तो ईदी हो। और मैं आपको बताऊं,
ईदी मांगने के लिए और जब भूख लगी होती मुझे बर्दाश्त ना हो तो मैं कोई 3-4 साल से बच्ची से कम की नहीं होती। उस वक्त मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं और मैं कहती हूँ मुझे भी खाना चाहिए, किसी तरह मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। ईदी के लिए मांगने के लिए भी मैंने यही हरकत की। अपने घर का मेन्यू बताना। हमारे घर में भाई कलेजी बनी पहले, उसके बाद मटन कढ़ाई बनी, फिर मटन पुलाव तो बनना ही होता है, वो तो लाजमी सी एक बात है। फिर अगले दिन बिरयानी बनी थी। अच्छा। और मीठा तो आपको पता शीरखुरमा तो लाजमी होता है। और मेरे मियाँ को क्योंकि वो मीठे में सिर्फ चॉकलेट्स पसंद है तो वो बाकी मीठे तो खाते नहीं खाते है। नहीं। तो हर वक्त उनकी इस जेब में भी चॉकलेट होती है, फिर मेरे हैंडबैग में भी चॉकलेट होती है, गाड़ी में भी होती है, सोने से पहले साइड टेबल पे चॉकलेट्स होती है। वो एक बच्चे की तरह साथ साथ वेट पुट ऑन नहीं होता उनका। नहीं वो माशाल्लाह अब हो रहा है। मैं कह रही हूँ रुक जाए। अच्छा तो तुमने कपड़े वगैरह क्या बनाए ये बताओ ना। तुम खड़े हो कपड़े में आपको बात बताऊँ। मैंने ये दो जोड़े तस्नीम सदफ से ले लिए। कौन से वाले? डिस्काउंट किया था ये। हाँ। और ये आपको पता हमारे डिस्काउंट चल रहे होते हैं ना। ये तो मैंने तस्नीम से ले लिए थे। ठीक है ये मैं पहन नहीं पाई थी लेकिन। अच्छा ठीक है। ये फिर मैंने ये सोचा कि ये यूज ही नहीं हुआ तो मैं आपके शो में पहन लूँ तो ये समझे ईद का ही शो है तो मैं। और बाकी ये वाला भी ना मैंने तस्नीम से लिया था। अच्छा। ये बहुत प्यारा है जो अभी आपने देखा हो ना, देखा होगा ग्रीन वाला। अच्छा मैं समझी लॉन का है तो ये तो नहीं। ये बड़ा प्यारा है और इसकी ना नेट का ये देखें इसका ये दो करारा जी। अच्छा ये करारा और ये इतना हल्का था और इसका दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा। भाई नई नवेली दुल्हन के लिए तो बनता है। हाँ, बड़ी एक्सपेक्टेशन। और फिर क्योंकि ससुराल में ईद हो तो फिर इस वाले कपड़े तो पहनने बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा और ये मजे की चीज ये है कि ये वाला जोड़ा अगर आगे कोई शादी आ रही है उसमें तुमने अपना जेवर पहना। हाँ। ज्वेलरी सेट पहना और उसके साथ भी ये पता ये दुपट्टा मुझे इतना अच्छा लगा मुझे लगता है मैं इसके साथ मैं ये दुपट्टा किसी और पे भी यूज कर सकते हो। अगर तुम बताओ ना अपनी तरफ से कि तुम अगर इसको शादी में पहन के जाओगी तो इसको कैसे स्टाइलाइज करोगी क्या करोगी? शादी में अगर जाऊंगी तो मैं इसको ऐसे पूरा ही पहनूंगी। नहीं पूरा तो पहनोगी लेकिन साथ मेकअप क्या रखोगी, ज्वेलरी क्या रखोगी, वो सब तो बताओ ना ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि अपने जोड़ों को कैसे एक्सेसराइज। ज्वेलरी में मैं सिर्फ इसके साथ चोकर पहनना चाहूंगी। अच्छा और कानों में कुछ भी नहीं? कानों में नहीं। ठीक है और बाकी ये बालों का क्या करोगी? बाल तो अभी फिलहाल ऐसे ही हैं तो फिर यहाँ तो हल्का सा कर्ल दे दूंगी तो और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बाल तो ऐसे ही रहेंगे। चोकर के साथ जेल बैग भी बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे पास। अच्छा लगेगा जो इतनी ईची पोनी बन जाएगी। तो जूड़ा वूड़ा भी लगा सकती हो। हाँ वो भी हो सकता है लेकिन जूड़े नहीं मुझे अब तो। मैं नहीं अच्छे पहले तुमने बहुत बनाए। मैं बहुत बनाए हैं जूड़े तो अब मेरा दिल ही नहीं करता जूड़े बनाने को। अब ये वाले बाल तुम्हारे पर बहुत सूट करते हैं। हाँ ये मैंने 1.5 साल बाद दोबारा कटिंग कराई है अपने मियाँ की भरपूर फरमाइश पे मैंने करा रही। हाँ पता नहीं उनको क्या था गए कटिंग कराओ। मैंने कहा अच्छा भैया मेरी कंटिन्यूटीज बर्बाद करवा दे इसकी। और अच्छा एक्सटेंशन लग जाएगी। ये वाला जो है ना ये तो बहुत ही सादा सा है। ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था लेकिन मुझे ना ये देखिए इसकी शर्ट पे ना ये बड़ा मजे का लगा। क्या ये जो काम हुआ ये बड़ा मजे का था। अच्छा। और इसके बाजू के कर्ट्स। हाँ। और ट्राउजर तो खैर इसका बिल्कुल सादा ही था। और दुपट्टा ये शादी में नहीं पहन सकती। फ्लोरल नहीं ये शादी में नहीं पहन सकती। हाँ। हाँ, लेकिन किसी दावत में किसी बर्थडे पे उसमें पहन सकती। हाँ शादी में नहीं जी। ये है इसको इसको तुम क्लच वगैरह भी लेकर आई ना बताओ तो सही। क्लच हाँ ये जो क्लच है वो मैंने एक्चुअली वो ग्रीन इसके साथ मैंने यूं करके पकड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी चूड़ियां वूड़ियां पहनी थी मैंने। हाँ। मैंने रेड चूड़ियां पहनी थी और गोल्डन सिल्वर वाली नहीं पहनी। अच्छा। अभी तक। तो तुम्हारे मियां को शौक है कि मेरी बीवी चूड़ियां पहने? हाँ मेरे मियां को एक्चुअली बहुत शौक है। वो पता नहीं मुझे तो है ही और अब शादी के बाद ज्यादा हो गया कि आपको उठते ही जरा तैयार होना है कोई। हाँ। शक्ल दुरुस्त करनी है मतलब वही शक्ल सोई हुई शक्ल मियां पे कहेगा यार ये क्या शक्ल है। तैयार होने का उनको मुझसे ज्यादा है। अच्छा वो मुझे खुद कहते हैं तैयार मेकअप करो ना और थोड़ा सा ज्यादा लिपस्टिक थोड़ी डार्क करो और ये वाली चीज है उनके अंदर बहुत। अच्छा मैं तो कल मैंने कहा मैं तैयार होकर जा रही थी कहीं दावत मियां के साथ तो मैंने अपनी मियां से कहा मैंने हल्की सी लाइट ब्राउन लिपस्टिक लगाई तो मैंने कहा सुनो क्या करूं देखो बहुत डल फेस लग रहा है रेड कर लूं उस लिपस्टिक को। नहीं नहीं ये बहुत अच्छी है उसको तो शौक है हल्का हल्का करो डार्क भी करो। सबके अपने अपने प्रेफरेंस कितना डिफरेंट टेस्ट होता है किसी को जैसे उन्होंने कहा ब्राइट कलर्स पसंद है रेड लिपस्टिक हो जाए पिंक हो जाए और कुछ आदमियों को बहुत सटल कलर्स पसंद होते हैं न्यूट्रल शेड्स। जिन आदमियों को मैं जानती हूँ ज्यादातर वो तो अपनी बीवियों को यही कहते हैं कि बस नो मेकअप लुक लाइट और कुछ लोग होते हैं वो रेड लिपस्टिक लगाओ। मेरे जो बहनों ही है वो अपनी मुझे लगता है अगर अच्छा मेकअप आता हो तो फिर मियाँ नहीं बोलेंगे ना कि ना करो।
हाँ ये भी एक चीज नहीं, ये नहीं कहते कि ना करो, कहते करो पर वो नेचुरल वाला रखो, नो मेकअप लुक हो, थोड़ा क्लास ओवर ना हो, चेहरा भी थोड़ा ओवर ना हो, सॉफ्ट लगता है लेकिन चेहरा भी एक्जेक्टली। लेकिन इसने भी बात सही की है ना कि अगर कोई लड़की मेकअप भी उल्टा सीधा कर रही होगी अजीब लगेगी, तो फिर ये कहेंगे हम लोग ज्यादातर बेस भी बहुत ज्यादा लगा लेते हैं अमूमन के अच्छा लगे। और ये हमारी गलत फहमी है कि हमारे मियाओं को कुछ नहीं पता, नो एवरी नो एग्जैक्टली मोर देन अस समटाइम्स। हां देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का जमाना है, लाइनर लगाया तुमने, वो वाला लाइनर चल रहा है आजकल, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है आजकल वो लाइनर चल रहा है। सोशल मीडिया ने हर चीज ना बहुत इजी कर दिया, अवेयरनेस मर्दों का शौक। मैंने कहा पाकिस्तानी, हमने बकायदा एक दफा फोटो शूट किया, दिखाओ जरा भाई हमारा फोटो शूट, दिखाओ। मैंने तो देखा था, मैंने लाइक भी किया, माशाल्लाह भी बोला पहले दिन, पहले दिन नाइस, पहले दिन का फोटो शूट। अच्छा दिस इज योर ईद आउटफिट? हाँ ना, ये मेरा अभी, हाँ मेरा रोजीना मुनीत से खरीदा था, ब्यूटीफुल और ये बहुत प्यारा है। और पता है जब आपने खरीदे हुए कपड़े होते हैं, आप उस पे सालन भी गिर जाए, धब्बे भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं होती। जब आपने फिर डिजाइनर से मांग के पहना होता है, फिर बहुत टेंशन होती है। ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारी फोटो है। ये कौन है, फोटोग्राफर कौन है? ये हमारा अली है, अली भाईदान है, सही प्रोनाउंस किया नाम। ये आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह, एवरीवन लुक्स। हां ये ज्वेलरी मैंने अलॉर्ड से ली थी, ये मैंने खरीदी नहीं थी, लेकिन रोजीना से ये जोड़ा। आई लव द स्लीव्स, स्लीव्स है ना, ये तो भाई टू डाई फॉर, बनवाया है, बनवाया है, ठीक है। इसके इसके मतलब लाइक और भी कलर्स हैं, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग कलर। इधर जो हम कहते हैं ना लेस इज मोर, आपका बिल्कुल अभी हो रहा है, सो ब्यूटीफुल, और बहुत फेस्टिव वाली लुक, बहुत प्यारा। तो भाई हमने तो इस दफा मैंने बच्चों की, आई लव दिस बॉर्डर बादशाही मॉस्क, कौन सी मॉस्क बनी हुई है ये, कुछ ताजमहल टाइप ताजमहल है, दुपट्टे पे कढ़ाई हुई है, और कलर बहुत प्यारा। कलर मेरे पास ये वार्डरोब में था ही नहीं ना मेरे, तो अब इस दफा मैंने जैसे बच्चे नहीं तीन तीन जोड़े बनाते हैं ईद पे, वो बनाए वो वाला काम किया, क्योंकि अक्सर क्या होता है बकरा ईद पे हम ज्यादातर कुर्बानी करके निकल जाते हैं कहीं ना वेकेशन पे, इस दफा हम लोग यहीं थे तो फिर हमने जरा से एहतमाम किया, दूसरे दिन का दिखाया मेरा, दूसरे दिन का लुक जो है फुल तैयारी हुई थी भाई, अली ने बड़ी अच्छी तस्वीरें खींची, ये भी मैंने देखी। हाँ इसमें मैंने सारे बच्चों को, सारे लड़कों को ब्लू कलर पहनाया था, और मेरा सी ग्रीन टाइप का था, वो ब्लू था लेकिन सी ग्रीन लग रहा है इसमें। ये लॉन्ग शर्ट्स फिर आ गई है ना, हाँ लॉन्ग शर्ट्स फिर से आ गए, हाँ ये भी मैंने रोजीना से बनवाया था, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये देखो ज्वेलरी कितनी प्यारी है, एलोर की ज्वेलरी है, मुझे बहुत ही पसंद आई, मतलब ये रिंग्स भी एलोर, ये भी एलोर के, हाँ मैं तीसरे दिन के भी अलॉर्ड के थे, मैंने उनसे ज्वेलरी जो है ना वो पहले ही मंगा ली थी, तो वो ये तो आपके घर का ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है, वो घर की छत थी, जो पहले वाला शूट था ना वो घर के टेरेस पे शूट था, और ये ड्राइंग रूम, ये वो कपड़े थे चिपक रहे थे हवा से ना, तो मैंने कहा ये वाले कपड़े जो है वो आउटडोर नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है कराची में इतना अच्छा वेदर हो रहा है, मौसम अच्छा वेदर, मजा आया, बकायदा बारिश वाला मौसम था ना, गर्मी ना सर्दी, अजीब सी फेजी सी लाइफ, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और देखिए शोधीपन तीसरे दिन का भी मैंने शूट करा है ना, ये पढ़निहा आयशा जो पढ़निहा, उसने मेरे और मेरी बेटी के कपड़े जैसे बना के भेजे थे, अंगरखा है। और ये देखो ये ज्वेलरी भी इसकी, क्या कलर है, ब्लैक 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 के ऊपर बेज से काम है, वो जो उसका मरोड़ी का काम होता है, ये भी बहुत कंफर्टेबल थे कपड़े, तो लंबी कमीज है, मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती, मुझे दूर से ग्रीन लग रहा है, ब्लैक दैट्स व्हाट आई थॉट, आई थिंक इट्स सेमी ग्रीन लग रहा है, ब्लैक के पूरा अच्छा ग्रीन लग रहा है मुझे भी, हां ग्रीन लग रहा है, वो ऐसा आ रहा है मतलब लाइट की वजह से, ये हमारे हमारा जो घर के बाहर अलग अलग तीनों जगह जो है, तीनों दिन जो है अलग अलग हमने, घर के बाहर जो गार्डन है ना उसके अंदर जाके कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी हक अदा किया है भाई। बकरा ईद पे पहले दिन होती है ना कुर्बानी का प्रेशर होता है, उसके बाद ये होता है कि कहीं जाना आना है, दावत हम ना भाई, दावत तो दोपहर में निपट जाती है, तो वो वाली चीज है, और हमारी कुर्बानी भी जल्दी हो जाती है। अच्छा यूजुअली लोगों को मैंने देखा है स्पेशली मेरे साथ तो ये है कि छोटी ईद पे ज्यादा तैयारी होती है, ज्यादा तीनों दिन, वही ना बकरा ईद पे फर्स्ट डे तो कुर्बानी में आधा दिन गुजर जाता है, ज्यादा टाइम यू गेट डाउन यू सो टायर्ड कि वे हिम्मत भी नहीं होती तैयार होने की, ऐसे वैसी हमारी हमारी जो इस दफा की वो थी ना एक्टिविटी, वो हम ज्यादा क्योंकि कोरोना की वजह से इतना जा नहीं सकते थे, तो हमारी एक्टिविटी आपस में ही थी, एक दिन यासिर के एक भाई के यहाँ चले गए, दूसरे दिन तीसरे
फिर भाई क्या चले गए और फिर फोटो शूट करवा ली, तो ये हमारी ईद की एक्टिविटी थी एक्चुअली, और एंटरटेनमेंट भी थी, एंटरटेनमेंट भी थी. बच्चे वो हो रहे थे क्या है, गर्मी लग रही है पोज. और बलाज को भी इतनी मुश्किल से कन्विंस किया. खैर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम जानते हैं किसी और. शर्मीन तुम्हारी डिस्कस करेंगे ईद की तैयारी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि आप अपने ईद के जोड़ों को कैसे किसी और इवेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके आप वही बजट जो आपने ईद पे लगाया है वो आप कैसे, क्योंकि होता है ना कि कभी कभार आप कपड़े खरीदते हैं और उसके बाद अलमारी की नजर हो जाते हैं. वो नहीं भाई, पठान अपना पैसा पूरा खाए ना, वो वाली चीज है कि भाई जो खरीदा है उसको अच्छी जगह हर तरह पहनो, दुपट्टे को यूटिलाइज कर लो या उसके साथ अलग ज्वेलरी रख कर आप उसको किसी और शक्ल में पहन के अलग मेकअप के साथ जा सकते हैं शादी में. लोगों को थोड़ा सा ये भी होता है ना कि भाई हाँ ये तस्वीर आ गई ईद की, तो अगली तस्वीर कैसे होगी. तो हाँ वैसे ये होता है, मतलब मैं भी अगर हम सभी ये सोचते हैं ना कि हमने एक दफा पहन लिया जोड़ा, और स्पेशली फॉर हम शोबिस की लड़कियों के लिए कि हम लोग फिर इंस्टा पे भी लगा रहे होते हैं, फेसबुक पे भी और स्नैपचैट पे भी, तो हम सोचते हैं कि दोबारा कैसे इसको पहने. हमारा मसला क्या है नताशा, हमें तो बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसे भी कपड़े दे देते कि ये पहन लो, पिक्चर डाल देना, पिक्चर लगा लेना. लेकिन जो आम इंसान है वो जाके बजट निकालता है ईद का, खरीद भाई मेरा इतना बजट है मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती. अच्छा मैं तो कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ. मैं तो अपने सीरियल्स में भी बहुत दफा ये करती हूँ कि जैसे मैंने 3 पीस अगर बहुत सारे सीरियल के लिए बनाए हुए 10-15 जोड़े, तो मैं अगले सीरियल में उस उन्हीं सारे सूटों के दुपट्टे यूज कर लूंगी प्रिंटेड, और साथ सादे शलवार कमीज बनवा के सॉलिड कलर्स. हाँ कुछ इस तरह भी कर लेती हूँ. हाँ, तो वो बड़े खत्म हुआ तो मुझे उसमें मैं अपने एडी के पीछे कर रही थी. मैंने कहा मुझे बताओ लास्ट डे कब है, लास्ट डे कब है. कहते हैं क्यों. मैंने कहा बस मुझे जानना था. तो जैसे ही खत्म हुआ तो मैं सोच रही थी कि अब ये सारा वार्डरोब नया जो सीरियल स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं ऑल्टर करा के कुछ मिक्स एंड मैच करके कर दूंगी. लेकिन फिर हुआ ये कि जब मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई, सिराजुल हक डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, तो उन्होंने मुझे जो वार्डरोब डिटेल दी वो दूर दूर तक उसके करीब से भी नहीं गुजर रही थी. ये भी होता है. मैंने इतनी मेहनत क्यों की मैं एडी के, अब वो सिरे से नया बनेगा. आप सिरे बिल्कुल तो कभी कभी आप बहुत फंस जाते हो ना, आप नहीं कर पाते. हाँ शर्मी तुम्हारी कपड़ों से कटे शुरू, तुम बताओ कि बिल्कुल ऑनेस्टली निदा जैसे आपने कहा था शादी के कपड़ों मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि वही बात के शादी के कपड़े आप इतने हैवी काम कराएं और फिर वो आपको कब मौका मिलता है, कितनी शादियां आप साल में अटेंड कर लेते हैं. तो आई प्रेफर कि मैं इस तरह के पार्टी टाइप के कपड़े बनाऊं, फॉर्मल सेमी फॉर्मल, जो कि मैं अगर मुझे थोड़ा सा कैजुअली पहन लूं, डिनर्स में पहन लूं तो डिनर्स में ही पहन लूं, और एक्सेसराइज करके भी मुझे अगर किसी हैवी ओकेजन के लिए पहनना तो वो पहन लूं. तो अब ईद पे आई डोंट नो पिक्चर्स मैंने भेजी थी, दिखाओ जरा शमीन की पिक्चर्स अगर रेडी हैं तो प्लीज दिखाइए. एक्चुअली मैं पिक्चर्स बहुत लेजी हूँ पिक्चर्स लेने में. अच्छा? मुझे ख्याल भी नहीं आता, मेरी फैमिली इज जस्ट लाइक मी. तो जब मुझे उन्होंने कहा ना कि अपनी पिक्चर्स भेजो फैमिली के साथ, मैंने कहा नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, मेरा भी नहीं है. हाँ ये फर्स्ट डे की है, इसमें मैंने ये वाला पहना था. हाँ ये अभी दिखा रहा लग रहा है बहुत. ये सेकंड डे की, ये सेकंड डे की है और ये थर्ड डे. थर्ड, ओह ग्रेट, शुक्र है शर्मी ने ले ली पिक्चर्स हमारे काम. अच्छा फर्स्ट डे का तुम्हारा बड़ा ठंडा ठंडा सा फर्स्ट डे का मेरा ये था. अच्छा दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ लॉन्ग लेंथ पहनती हूं, जब शॉर्ट शर्ट्स भी थी, क्योंकि आई फील कि मुझ पे शॉर्ट शर्ट नहीं सूट करती, एंड आई लाइक टू वेयर व्हाट आई एम कंफर्टेबल इन. मैं यूजुअली इतना ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रही थी, आई जस्ट वेयर व्हाटएवर आई फील गुड. तो मैं शुरू में भी लॉन्ग शॉल हो और तुम्हें लगता होगा वो चंगी ना लगे. एग्जैक्टली मुझे पता नहीं लगता है कि जैसे इनकम्प्लीट सा लगता है मुझे शॉर्ट शर्ट पहनना. तो खैर मैंने ये पहना था क्योंकि आई लव द कलर, आई वाज क्रेविंग फॉर पाउडर पिंक. आई डोंट नो व्हाई कि मुझे पाउडर पिंक पहनना है. गर्मी भी तो होती है तो जाहिर है उसकी वजह से. एग्जैक्टली और कॉटन भी था वो गर्मी की वजह से. लॉन है कॉटन है, इट्स कॉटन, बहुत अच्छा मटेरियल है, पतला सा ना. हाँ और फोटो बहुत ठंडा ठंडा. ये मुझे लग रहा है कोयल का है. नहीं दिस इज, हम नाम ले सकते हैं. अच्छा ये मैंने पहना था क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग तो पिक्चर में नजर नहीं आ रहा. मैंने ट्यूलिप व्हाइट कॉटन ट्यूलिप सलवार के साथ पहना था. अच्छा बट आई वाज थिंकिंग कि अगर मुझे किसी शादी पे फॉर्मली पहन के जाना है, मे बी नॉट टू अ रुखसती, बट जैसे होता है ना आपका माइयों का या फिर आपकी ढोलकी हुई भी होती है, या जैसे मेरी अभी फ्रेंड है उसकी उसके भाई की शादी है तो दुआ है उस पर. आई वॉज थिंकिंग कि इसके साथ में ऑफ वाइट कलर का क्रश जो लहंगा होता है ना, बहुत फ्लेरी वाला, बहुत लंबा वाला, वो
विद गोल्ड बॉर्डर वो मैंने बनवाने दिया हुआ है, वो बना नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट इट विद मी. तो आई वाज थिंकिंग मैं वो पहन के, और इसमें क्योंकि ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर बूटी, तो मेरे पास मैंने लेना है, मैंने ऑर्डर किया था, अभी डिलीवर नहीं हुआ. ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ऑफ वाइट और उसमें आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, गोल्डन और सिल्वर पन्नी टाइप की बूटियां और मैंने ईद पे तो ये नेकलेस पहना था इसके साथ, पर्ल नेकलेस, ये भी अच्छा. लेकिन आई वॉज थिंकिंग टू मेक इट अ लिटिल मोर फॉर्मल, इंस्टेड ऑफ द नेकलेस आई विल वेयर दीस चांद वालीज. अच्छा, तो ये जो है ना इससे एकदम से आपकी एक थोड़ी सी ग्रैंड लुक आ जाती है. एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव. हाँ, और थोड़ा डार्क लिपस्टिक दे दो अगर, मरून लिपस्टिक आई वॉज थिंकिंग बना. हालांकि मैं बहुत मुझे रिजर्वेशंस है व्हेन इट कम्स टू डार्क कलर्स. जो आउटफिट है ये लाइट कलर का है, तो अगर तुम इसके साथ हल्की सी गिव दैट पॉप ऑफ कलर, तो वो मरून या फिर जो होता है बर्गंडी टाइप का वुड लुक वेरी नाइस. सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसको मैं इस तरह से एक्सेसराइज कर सकती हूँ. मैंने यही सोच के लिया था कि मेरा चल जाएगा एक ओकेशन पे. ओके, अब ये है मेरा सेकंड एक आउटफिट. ये तो तुम किसी पार्टी में आराम से पहन सकती हो. ये थोड़ा सा गाउन टाइप की इसकी लुक है. इसका ये आगे से स्लिट है. आई वोर इट विद ब्लैक कैप्रीज, बट अगेन इसको भी मैं ब्लैक फ्लेरी ट्राउजर्स के साथ भी पहन सकती हूँ. जब तुमने इसको फॉर्मली पहना, थोड़ा सा फॉर्मली करना. इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग, पता है लहंगे का मटेरियल है, दिस इज नेट विद एम्ब्रॉयडरी. बहुत प्यारा कपड़ा है ये. बना बनाया लिया या स्टिच करवाया? नहीं मैंने स्टिच करवाया, लेकिन कपड़ा मैंने बना बनाया लिया. अच्छा, एंड आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट कि अगर मुझे जैसे किसी वलीमे के ओकेजन पे पहनना हो इसे, तो मैं ब्लैक लहंगे के साथ पहनूंगी. ओके, तो एकदम से एक और ज्यादा हेवी ग्रैंड लुक आ जाएगी, थोड़ी सी इवनिंग गाउन. क्या तुम सोचा है कि ज्वेलरी? मैंने इसके साथ जो ज्वेलरी पहनी थी वो मैं लाई नहीं, मैंने सैफायर के मेरे पास इयररिंग्स है वो पहने थे. बट आई वाज थिंकिंग कि इसके साथ नहीं, मैं हाँ, ये वली में पे. हाँ, आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसके साथ ये पहनूंगी, क्योंकि इयररिंग्स वो छोटे थे, वो थोड़े से कैजुअल टाइप के हैं. आई वॉज थिंकिंग इसके साथ मैं ये पहन के, और मे बी यू नो कानों में स्टड्स पहन के, क्योंकि जब मैंने बहुत हैवी नेकलेस पहना होता है ना, तो मैं या तो इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ या फिर मैं सिर्फ स्टड्स पहनती हूँ, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स अ बिट टू मच फॉर मी. तो क्योंकि ये नेकलेस बहुत हैवी है, आई वॉज थिंकिंग आई जस्ट वेयर स्टड्स. जो भी आपने पहना हुआ बड़े आइडियाज हैं ये, क्योंकि हम लोग तो किसी शादी वादी पे सोच रहे होते हैं कि बहुत भरा हुआ अच्छा सा काम वाला जोड़ा होना चाहिए. चेंज हो रहा है ना ट्रेंड, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है. अब मेरा मुझे पता नहीं क्यों हैवी काम वाले कपड़े पहनने में बहुत शौक है. अच्छा पता है नाताशा, याद है मेरी वेडिंग वीक्स में मैंने कितने हैवी पहने हैं? बहुत हैवी. अब आई डोंट नो, जैसे जैसे लाइक मेरी उम्र बढ़ रही है, वक्त के साथ खुद ही मतलब लाइक मैं अब शादी पे जाऊंगी ना, तो मैं ये जोड़ा पहन के अच्छी तरह ज्वेलरी वगैरह डाल के अपनी हो चली जाऊंगी. मतलब मैं शादी पे ये इस तरह के कपड़े भी पहन सकती हूँ कि मेरे सिर्फ हाथ में काम है. ये कपड़ा के देखो ना, इसमें एक तो ठीक है कलर लाइट है, लेकिन जो रॉयल लुक है, जो रॉयल रिच है, ये तो शादी पे भी अच्छा लगेगा. और मुझे हमेशा से ना बहरोज सब्जवारी की जो वाइफ है वो हमेशा ये मटेरियल पहनती थी, प्लेन होती थी, और वो सफीना भाभी ना, सफीना भाभी खुद डिजाइन करती थी प्लेन कपड़े, और वो मुझे इतनी कोई ग्रेसफुल लगती थी हमेशा. जब भी मैं उनको शादी पे देखूं, उन्होंने कोई ब्राइट कलर का प्लेन जोड़ा पहना होता था, और वो कोई इतनी हसीन लग रही होती और रॉ सिल्क ज्यादा पहनती है वो, तो मैं उनको देख के ना एडमायर करती थी कि यार मतलब मैं एक मैच्योर एज में आऊंगी तो मैं भी इसी तरह अच्छा लगता है मुझे. इससे एज का इतना कोई नहीं है, इससे एज का ताल्लुक नहीं लेकिन है, लेकिन जो प्लेन कलर्स दिल का ताल्लुक है, दिल का ताल्लुक कि भाई मूड होता है आपका, कभी आपको पीला रंग बहुत अच्छा लग रहा होता है, कभी आपको सी ग्रीन कलर आपके दिल पे अटका है, कभी आपको पेस्टल कलर्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, चीजों से आपका दिल भी भर जाता है. जैसे बहुत हैवी जोड़े पहन के भी फिर आपका टाइम आया, फिर आपका दिल भर गया होगा, फिर आपने सोचा है कि अब मैं थोड़ा हल्का मॉर्निंग शो पे इतना मेकअप और इतना सब कुछ कर लिया ना कि अब दिल चाहता है कि बस बहुत हो गया ना कढ़ाइयां, अब दिल नहीं चाहता. मेरा ये मटेरियल है रॉ सिल्क, और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा. आजकल ऑर्गेन्जा के दुपट्टे फिर चलने लगे हैं हर कपड़ों के साथ. आई एम लविंग ऑर्गेन्जा के दुपट्टे. लॉन्ग शर्ट्स रेस आती है, लॉन्ग शर्ट्स फ्रॉक स्टाइल की फुल एंकल लेंथ. अच्छा, लेकिन मुझे शर्ट्स ऑर्गेन्जा के नहीं पसंद. हाँ, सेम, क्योंकि आपको फुला देती है, इतना मोटा लुक आपका देती है. दुपट्टा सही है, बॉडी शेप बिल्कुल आउट हो गया. हाँ, शर्ट ऐसी कपड़े की अच्छी लगती है जिसका फॉल हो. ऑर्गेन्जा और टिशू में क्या फर्क?
टिश्यू जो है ऑर्गेंजा ये, और टिश्यू कौन सा वाला होता है, थोड़ा ज्यादा किसी का बहन भाई होता है, टिश्यू में थोड़ा अकड़ावा ज्यादा होता है, वो इसी का बहन भाई होता है। हाँ, ऑर्गेंजा। एंड आई थिंक टिश्यू में थोड़ा सा गोल्ड अंडरटोन भी होता है, चाहे जो भी कलर आप ले लो उसमें एक गोल्ड अंडरटोन होता है, ये सॉलिड कलर में आपको सॉफ्टर। और थर्ड डे का मेरा ये ऑनेस्टली थर्ड डे का देयर इज नो वे यू कैन एक्चुअली वेयर इट टू अ वेडिंग बिकॉज इट्स ऑल प्रिंट। Oh, but it's very, very nice. I found it very interesting. Birthday party भी बना बना लिया था। ये भी generation है। ये भी generation। बड़े कपड़े क्या है ये? मतलब it's a dress. It's a dress. जो कि मैं इसको अपने skin color या फिर beige color capris के साथ जो है orange के साथ अगर कोई comfortable है, बहुत देखने में बहुत comfortable है। किसी भी अच्छा I love accessorizing my clothes with heavy statement necklaces. मैं आपके भी show में कभी आती हूँ, तो मैं necklaces मेरे जरूर होते हैं। जरूर। तो इसके साथ भी कोई नेकलेस पहन के तो आप इसको एक फॉर्मल डिनर पे पहन सकते हैं, पर शादी पे नहीं पहन सकते। और थोड़ा सा अगर आई फील कि अगर क्योंकि यूजुअली तो आई एम इन फ्लैट्स, बट अगर मुझे और ज्यादा एक लुक देनी होती ना, तो देन आई गो फॉर दीज वेरी हैवी सैंडल्स। शूज ऑलवेज यू नो मेक अ स्टेटमेंट, तो इसलिए मैं ये फिर अपने जैसे मैं अभी तो दो ही ला सकती थी, बिकॉज आई कुडंट ब्रिंग माय नई चीजें जो है तुमसे सीखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता रहा है कि अगर आपने कॉटन या लॉन या कुछ इस तरह का पहना हुआ जोड़ा, तो उसके ऊपर आप हैवी ज्वेलरी ना पहनो। आई मीन वो मैच, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ये होता था कि कॉटन इज वेरी कैजुअल, यू कांट वेयर ज्वेलरी। लेकिन यार ये अच्छा गर्मी है और नताशा आउटडोर शादियां और इंडोर शादियों की इजाजत ही नहीं। हाँ। तो अब आप आउटडोर शादियों में जा रहे हैं, इतनी गर्मी में एसी भी नहीं, ह्यूमिडिटी में, तो फिर आप कैसे इतने अच्छे अच्छे हैवी जोड़े पहन पाए? वो तो बहुत मुश्किल हो। सही है, मैं तो वही करती हूँ, टाइट या तो पीछे बंद बना लिया या हाई खींच के हैवी सा नेकलेस पहना या हैवी इयररिंग्स पहने, यू लुक सो गुड। मैंने अपने निकाह का जोड़ा भी इतना सेल्फिशली प्लान किया था कि मैं इसको बाद में यूज कर सकूं, और अल्लाह का करम है कि उमर सईद जैसा डिजाइनर मेरी जिंदगी में है। तो वो तो फिर कट ही ऐसा दे देते हैं कि वो लगता है कि फॉर्मल है। कट कलर में उसको कुछ 6 जगह यूज कर सकती हूँ। ये शादी का जोड़ा यूज करना ये तो कोई बहुत ही अकलमंदी का काम है, क्योंकि हम नहीं यूज कर पाए शादी के जोड़े। लेकिन अब ऐसे ही बन रहे हैं कि तीनों पीसेस इतने स्टेटमेंट पीसेस होते हैं कि आपने शर्ट विद प्लेन दुपट्टा ट्राउजर पहने वो पहन लो, ट्राउजर्स इतने ये जो फर्शी गरारा होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं, जस्ट वेयर इट विद प्लेन शर्ट एंड यू कैन वेयर इट एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट न्यू आउटफिट। और दुपट्टे तीन शादियों में तो चला लेंगे, और दुपट्टा भी सॉलिड कलर दुपट्टा है, कलर ऐसा तो आप उसके साथ प्लेन जोड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हां, तो फैशन बहुत चेंज हो रहा है और बड़ा वो कहते हैं इजी भी हो रहा है, इस तरह के आप एक जोड़े को कई जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तस्वीरें अलग एंगल से ले लें। मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ, जो मैंने कहा था ना कि हम लोग तो तस्वीरें भी लगा देते हैं, तो हम सोचते रहते हैं यार अब तो सबने देख लिया क्या होगा। तो मैं ना आगे पीछे करती रहती हूँ, मतलब शर्ट ये पहन ली, इसके साथ अब गरारा है तो मैं वो नहीं पहनूंगी, तो मैं इसके साथ सिगरेट पैंट्स पहन लूंगी, थ्री क्वार्टर दुपट्टा थोड़ा चेंज कर लूंगी, तो एक इसकी नई लुक आ जाए। ये वाली चीज मैं करती हूँ हमेशा। हाँ, मुझे ये बड़ा फायदा होता है वैसे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली लोगों को ना थोड़ी रिजर्वेशन होती है व्हेन इट कम्स टू रिपीटिंग क्लोथ्स। मुझे ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है। आई फील कि आपने एक ड्रेस में इन्वेस्ट किया है, आप उसको 3-4 दफा तो पहनो, उसकी मनी इज़ वर्थ वैल्यू। मैं कपड़ा हूँ जिसमें मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। फ्यूचर ही नजर आ रहा है। इस जोड़े को मैं कम अज कम 5-6 दफा पहनूंगी तो इसके पैसे बिल्कुल। मैं भी उसको चेंज करके उसके साथ, मैंने आज तक लॉन के जोड़ों में बहुत कम इन्वेस्ट किया है। प्रिंटेड लॉन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बचपन से, मुझे लगता है कि मैं स्टक हो गई अब इसमें, अभी कि उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। अगर मैं करना चाहूँ मैं हमेशा ऊपर नीचे करके पहनती हूँ, अगर शलवार प्रिंटेड है तो मैं उसको शर्ट बना लेती हूँ और टोटली चेंज कर देती हूँ, तो मार्केट में लगता नहीं कि ये कॉपी है। अच्छा, मैं इसके लिए आप लोगों को एक आइडिया देना चाहूंगी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैंने ना बहुत अरसे से प्रिंट खत्म कर दिया पहनना प्लेन पर। मैं भी बिल्कुल नहीं। तो अब क्या होता है, जो प्लेन कपड़े होते हैं उसमें आपको अदल बदल करना बहुत आसान हो जाता है। सॉलिड कलर्स है, आप एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच किया जी, अलग आपका आउटफिट चेंज हो जाता है, तो वो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। प्रिंटेड में आप थोड़ा सा फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। हाँ, और प्रिंट पकड़ा भी जाता है, याद रहता है। मुदा ने तो ये मतलब शो में भी कभी कभार होता है, मुझे कहते हैं आप शो में रिपीट क्यों नहीं करती हैं कपड़े। मैंने कहा भाई लोग पकड़ लेंगे। अगर मैंने और शाइस्ता ने किसी अलग अलग प्रोग्राम में एक जैसे कपड़े पहने तो दोनों की तस्वीरें आ जाती है, कितने बेहतर पहने। ये तो लोग पकड़ लेते हैं इतना, इसीलिए सॉलिड कलर्स बड़े सेफ हैं कि अगर आप हर चीज दुपट्टा प्लेन
उसके ऊपर आपने कोई किरण लगा लिया कुछ हाँ। और अब ये वाला जो जोड़ा है जी। ये वाला मैं इसको ग्रीन दुपट्टे के साथ भी पहन सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल पहन सकती है। ठीक है, रेड के साथ, रेड ग्रीन, मैं ट्राउजर चेंज कर लूँ वही वाली बात, मैं किस कहीं चुनरी का घाघरा या कुछ पहनूं। एग्जैक्टली, तो ये एक जोड़े को मेरा पैसा खराब नहीं हुआ, हलाल इसको पहन पहन के मैंने सोचा। मैं तो साड़ियाँ खरीदती हूँ, पहले उनको साड़ियों की तरह पहनती हूँ, फिर उनके दुपट्टे बनाती हूँ, फिर उनके कुर्ते बनाती हूँ, फिर वो कमीजों में आ जाते हैं। मैंने पहले भी, फिर वो आखिर में चूड़ीदार पजामे बन जाते हैं। मैंने पहले शो पे बताया, मेरी अम्मी ने कोई इतनी समझदारी से अपने शादी के जोड़े की जो है वो पैसा वसूल किया कि सबसे पहले उन्होंने शादी पे पहना, उसके बाद गरारे के दो पांचे हो गए और उनका अंगरखा बन गया मेरे और मेरी छोटी बहन के। ठीक है, तंग पजामे के साथ। फिर भी अम्मी को चैन नहीं आया, अम्मी ने कहा अल्लाह मेरी छोटी वाली बेटी तो रह गई। फिर अम्मी ने उस अंगरखी का जो हमारा बनाया हुआ था उसको काट के घाघरा चोली बना के छोटी वाली को भी पहनाया। भाई ये वो औरतें जो दूर से चल के आ रही थी, तो दर्जी अपनी दुकानें बंद कर लेते थे कि इनके कपड़े उधेड़ने भी पड़ेंगे। खुद बनाए, अम्मी ने खुद काटम कुटी करके खुद किया भाई, लाइक माय मदर। और मैं तो अपनी साड़ियों के, फिर एक टाइम आता है मैं फ्रॉक्स बनवा लेती हूँ लंबे लंबे ना, थोड़े कलियों वाले या खुले खुले, वो इतना सारा तो कपड़ा। और अम्मी ने अपने वलीमे की साड़ी जो थी उसके हमारे शरारे बनाए, तो वो अम्मी के शादी का जोड़ा जो है वो खाली मलमल के कपड़े में पड़ा नहीं रहा कहीं, हमने उसे पहना, यूटिलाइज किया। तो वो एक होता है कि भाई ये अच्छा, ये अचीवमेंट जो है उसका कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं। और मर्द खुश होते हैं कि यार इन्होंने हमारे पैसे हलाल किए। एक दफा तो सुगड़ बीवी मेरी, एक दफा मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं छोटी थी, मैं तकरीबन कोई 8 साल की थी, तो अम्मी ने अपनी खूबसूरत साड़ी थी, अम्मी ने मेरा ना स्कर्ट बना हुआ। अच्छा, मैं जर्मनी में किसी पार्क में थी, मैंने शर्ट पहनी, बहुत मल्टी कलर का प्यारा सा स्कर्ट था, अम्मी ने उसको सी कर खुद ही अपने हाथ से इलास्टिक डाल के जी वो स्कर्ट बना दिया। अब क्या हुआ, अब मैं गई पार्क में खेलने, वो पागल हूँ मैं जीन्स पहन के बजाय स्कर्ट पहन के चली गई, वो नहीं होता लटकने वाला, वो मैंने पकड़ा और स्कर्ट मेरे पैर में आ गया और इलास्टिक टूट गया और वो साड़ी का बना हुआ था। आप सोचिए फिर मेरा क्या हाल हुआ, हैवी नहीं था, पतला कपड़ा था, जैसे पतला कपड़ा पहना किसी का। अच्छा, ओके। उसके बाद वो तो पूरा खुल गया, अब मैं क्या करूँ, अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, तो मैंने वो स्कर्ट जो था इलास्टिक तो टूट गया, फिर उस स्कर्ट की साड़ी बनाई, यूं करके मैं घर गई हूँ। 8 साल की बच्ची नहीं लगी, इज्जत तो इज्जत होती है ना भाई। फिर मैंने अम्मी से कहा आपने, या आपको देखे मैल फंक्शन हो गया, आपने गड़बड़ कर दी, आपने स्कर्ट में इलास्टिक टूट गया, इलास्टिक टूट गया, कह रही किससे कहा तुम बाढ़ की पहन के जा। लेकिन ये भी बहुत एक आर्ट था हमारी अम्मियों में कि घर में ही बैठे बैठे अपने पुराने कपड़े निकाले, हमारे सिलाई मशीन निकाली और काट कूट के बना दिए कपड़े। हमारे बच्चे पहनेंगे, हमारे बच्चे के चीज भी की थी, मेरी एक ना बनारसी साड़ी थी बहुत प्यारी ना, इंडियन साड़ी, उसपे बहुत प्यारा सा तिल्ले का काम भी हुआ हुआ था। हाँ। उसको मैंने 3-4 जगह पे यूज किया, फिर मेरा दिल भरने लगा, मुझे लगा ये मैं पहनती हूँ ना तो मैं बहुत, एक तो बहुत बड़ी भी लगती है बनारसी साड़ी में, आप बहुत बड़े बड़े लगते हैं, तो मुझे लगा कि बस मैंने मेरी बस हो गई। हाँ। मैंने लिटरली उसके अपने सोफे के कुशन्स बनवाए, उस कपड़े के कुशन्स मैंने कवर बनवाए और वो इतने प्यारे लगते हैं, क्विल्ट कवर्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, क्विल्ट कवर्स, यस यस एग्जैक्टली, ये बॉर्डर बन जाते हैं क्विल्ट बेड पे बॉर्डर, हां वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने फेस्टिविटी वाले वाले जो है ना, मैं जोड़ा तो नहीं बनवा रही बनारसी का, जहर लगता है बहुत, अकेले बड़े अच्छे लगते हैं, अम्मा आ रही है कोई इस तरह के फैंसी कुशन्स घर में, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत अच्छा लगा। वो तो बनारसी भी एक सर्टेन मटेरियल में जो जो थोड़ा सा फॉल वाला होता है उसमें अच्छा लगता है आपको, बनारसी एक अकड़ा अकड़ा जी, वो फिर 80 साल की आंटी लगते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स का और अपने मियाँ का पैसा हलाल करना अगर औरतें चाहें, हाँ। या अपना भी कमाया हुआ हमने अपना के साथ ही हलाल किया है, सो मैं समझती हूँ कि एशियन औरत बहुत क्रिएटिव है ना, और हम कूट कूट के अल्लाह ने जो है ना हमारे अंदर सुगड़पन पैदा किया हुआ, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो आपके दुपट्टे हो, हेयर स्टाइल। अरे भाई आप सोचिए, पर्दे अगर आप खरीदने जाते हैं वो ज्यादा महंगे मिलते हैं, तो अब मैंने तो ये भी देखा है औरतें कपड़ा लेती हैं, मतलब अपने ऊपर जो पहनने के लिए कपड़ा होता है वो लेती, नेट उसके पर्दे बनते हैं। बिल्कुल, पिछले सेट पे मैंने ऐसे ही किया था, जो पर्दे बनाए थे पिछले सेट के, आशियाना मार्केट जाके वो जो खवातीन की कमीज नहीं होती वो सस्ते पड़ते हैं। ओह रियली, पिछले सेट के जो हमारे पर्दे थे ना वो इतने प्यारे से बने हुए थे, वो मैंने नेट का कुर्ता था कोई, वो कुर्ता खरीदा और सस्ता पड़ा,
और वो जाके उसके सिलवाई दर्जी से। बहुत एक्सपेंसिव है पर्दों के, पर्दे बहुत महंगे। आमतौर पे औरतें करती हैं यहाँ, यकीन मानो मैंने देखा औरतों को, वो जाएंगी जी लाइट हाउस, जाएंगी लाइट हाउस से पर्दे उठाएंगी और उनको ऑल्टर करके सी सिला के अपने घर पे लगाएंगे। हाँ, स्टाइलिश करके, मतलब खवातीन बहुत सलीका है। मेरी पहली फिल्म के कपड़े मुझे याद है, बड़े बड़े डिजाइनर्स ने लाइट हाउस से जाके जो मिक्स मैच किया था उन कपड़ों पे स्पेशली मुझे लोगों ने पूछा था कि ये कहाँ किस डिजाइनर ने कपड़े बनाए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीजें दिमाग का खेल है, क्रिएटिविटी जरूरी होता है। क्योंकि कुछ खवातीन ऐसी होती है ना, हर इवेंट पे अपने मियां के पीछे पड़ जाती है, नया जोड़ा चाहिए, नए जूते चाहिए। वो गलत बात है, मतलब वो एक बेचारा मियां के ऊपर भी चाहे बहुत कमाने वाला भी हो, लेकिन हर इवेंट, कितने इवेंट होते हैं, सोने का सेट भी चाहिए, फलानी शादी है, एक ब्रेक के बाद आते हैं। मैं इसको बीमारी समझती हूँ, ये बीमारी समझती हूँ, फजूल खर्ची भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। और आपको हमने यहाँ शर्मीन ने भी आइडिया दिए, आप कौन आइडिया देगा इन दोनों में से किसकी बारी? जी जोरे जोरे के पास आएंगे। ओके जी, छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके झुमके, हवा के साथ झुमके, गोल गोल घूमके, पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक कि आप अपने ईद के कपड़ों को आगे शादियों के लिए या किसी भी ओकेजन के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब जोरे हमें गाइडलाइंस देगी, अभी हमने शर्मीन से ली, अब जोरे की बारी है कि भाई जोरे क्या क्या किस किस तरह कर सकते हैं। चलो अभी जोरे शुरू, जोरे की पिक्चर से शुरू करें, पिक्चर पहले पिक्चर्स देखते हैं, है ना, पिक्चर्स दिखाएं भाई जोरे की। हाँ जी, ओके ये निदा, हम थक के इस वक्त हम थक के चूर हो चुके थे, इस वक्त तक ईद खत्म हो चुकी है। कौन कौन? ये तो ये मेरी मामा मेरे हस्बैंड और मैं, और ये हम लोग बस सेल्फीज ले रहे थे क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। अच्छी वाली ले ली थी, थकी वाली ली ना। अच्छा, तुमने ये अम्मी के साथ? हाँ, ये मामा ने। तुम लोग के घर क्या रूटीन होता है ईद का? हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह उठते के साथ, अच्छा हम लोग दो दफा मिलने जाते हैं, पहले दोपहर में सलाम करने, पहले उठते के साथ ही सास के साथ टाइम गुजार के हस्बैंड के साथ, फिर पहले मेरी नंद आई, उसके बाद फिर हम लोग गए और फिर क्यूट ये फिल्टर नहीं है, ये मैंने मेकअप किया है। और मेरी मामा ने मुझे बोला कि इतनी मैं देर हो गई थी ना मुझे, तो मामा ने कहा इतनी क्यों देर हुई है, मैंने कहा मामा मेकअप खत्म नहीं हो रहा सारा मेकअप कर लिया आपको बहुत ज्यादा बहुत, लेकिन मुझे मजा आता है कभी कभी कुछ डिफरेंट कर डाला, बिकॉज यू गेट बोर्ड ना, वो क्योंकि ये वाला मेकअप तो वो वाला था फोटोशूटिंग रबीला जिस तरह करा वो वाला, ये जो है ना बस ये बार बार वही नहीं आ रही मुझे लग रहा है। अच्छा ये आ गया, ओहो, अच्छा ये हम लोग ऐसे सुबह ड्राइव पे गए थे, तो मैंने रेड लिपस्टिक और हाथ में रेड चूड़ियां पहनी, ओहो अच्छा लग रहा था, और बाल मैंने बांध लिए थे क्योंकि हर वक्त फिर खोदना भी नहीं अच्छा लग रहा था। रेड लिपस्टिक, अगर आपने कोई मेकअप और नहीं किया हो बिल्कुल, बस रेड लिपस्टिक लगा ले तो आप कोई ऐसे तैयार लगते हैं। अच्छा, आई फील रेड लिपस्टिक अच्छी ही उसमें लगती है कि आपके फेस में और मेकअप ना हो, अदरवाइज इट लुक्स अ बिट टू मच। आई वांट हाई मेकअप हो ना, इतना कोई बेस हो ना ब्लश हो तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। रेड किसी टिंट लगा लो और रेड लिपस्टिक लगा लो, स्किन आपकी वैसे ही, मेरा तो जरा मूड डाउन हो मैं फौरन रेड लिपस्टिक लगा के रेड कपड़ा पहन लेती हूं एंड इट्स अच्छा मूड रेड को बहुत चेयर अप भी कर देता है। अच्छा अब बताओ तुम्हारे घर में पका वका क्या था भाई? अच्छा मैंने तो अपने घर पे कुछ भी नहीं बनाया,
तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत सडन क्वेश्चन था, उसने दिमाग में कपड़े सोचे हुए थे, अचानक खाने का सवाल आ गया, तो मैंने सच भी बोल दिया। मुझे ये बात करनी है, एंजॉय करने वाले दिन है ना, जब हमारी भी शादी की पहली ईद थी तो वहाँ में भी कुछ नहीं पकाना आता था। नहीं नहीं, तो मुझे माशाल्लाह आता सब कुछ है, लेकिन बस होता ये कि क्योंकि पहला दिन होता है ईद का और ईद उल अज़हा है, तो ऑब्वियसली फिर घर वालों से मिलना, गोश्त संभालना, फिर फ्रिज तक पहुँचाना, और मुझे ये है कि मैं गोश्त हमेशा धो के फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा, तो मैं सबसे मैं जो हूँ वो कपड़ों में पहुँच गई और मैं धोने में लग गई, फिर वो सब कुछ मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, बाकी मेरी नन ने रख दिया। तो खाने में मतलब बनाना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन बस उस वक्त टाइम नहीं था, किस रेडी भी होना था, फिर गेस्ट भी आ रहे थे। अच्छा। फिर जब पहुंच गए गेस्ट, तो मैंने हमारे एरिया में एक बहुत अच्छी कुक है, उनको ऑर्डर किया, फिर उनसे खाना आ गया, फिर उससे हेल्प हो गई गेस्ट को अलविदा करके, फिर शाम के वक्त मैंने स्टार्ट करा थोड़ा बहुत। अच्छा। और वो भी मैंने मटन कबाब पहले से बना के रखे हुए थे, तो मैंने वो सबको खिलाया, और शीर खोरमा क्योंकि वो भी रात में ही मामा ने कहा था बना लेना, तो वो भी बना लिया था। इसके अलावा मैंने कुछ, मेरी सास को बहुत था कि भाई आज क्या खाएंगे, क्योंकि पंजाबियों को तो वैसे ही खाने का बहुत होता है, तो उनको था आज हांडी में क्या पक रहा है, मैंने कहा हम फूड पांडा करेंगे, जवाब दिया कुर्बानी दे। और फिर वहाँ से मैंने मंगा के सास को भी मतलब दोपहर में शाम में खुश कर दिया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके रात के वक्त फिर जब घर पहुँची मैं दोबारा मामा की तरफ, पापा की तरफ, तो फिर वहाँ पे इत्तेमाम से खाना वाना खा के फिर सास के लिए वहाँ से ले आई, क्योंकि उनकी टांग में दर्द था तो वो गई नहीं, तो उनके लिए मैं घर से अपने ले आई, और फिर वो खुश हो गई कि उनका रिचुअल पूरा हो गया। और मैंने ना एक थोड़ा सा गलती ये कर दी कि मैंने उनको ना सब्वे मंगा दिया था शाम में, अब उनको तो सब्वे तो मैंने नहीं खाना, तो वो ना फिर मेरी नन को भी बोल रही थी, कह रही थी कि यार मैंने अभी सब्वे खाया है लेकिन मेरा कुछ सालन का मूड है, तो वो मैंने सुन लिया, तो उसी वक्त मैंने मटन पाए फिर ऑर्डर कर दिए, क्योंकि बस मुझे था नहीं था आज के दिन अगर मैं कुकिंग में लग गई ना तो फिर मैंने तो तैयार भी नहीं हो पाऊंगी, कुछ नहीं होने लगा फिर। और मुझे वैसे भी थोड़ा सा होता है कि नो मेकअप लुक में भी मुझे टाइम लगता है, आई थिंक नो मेकअप लुक ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू नॉर्मल मेकअप। अभी शादी के बाद पहली ईद है, फोकस खाने पर नहीं, तैयारी पे है, तैयारी पे। ये आजकल की गर्ल, आजकल की लड़की है भाई, हमारी अम्मा है पागल हुआ करती थी, बकरे पे उनकी शक्ल देख लो, पसीने टपक रहे हैं, जूड़े बंद हैं, मेरे घर में भी यही हाल है, सबका हाल बुरा है, कुर्बानी हो रही है। एक तो होता है जैसी कुर्बानी हुई गोश्त ऊपर आना शुरू हुआ, पहले वही कलेजी का मसाला लग गया, फिर हलीम चढ़ा दी, नहारी चढ़ा दी, बिहारी कबाब का मसाला, यही हो रहा होता है। हमारे घर के जो मर्द है ना वो तो खाने के दीवाने हैं, तो अगर हम मैं ये करूँ ना कि भाई आप सोचे भी ना कि ऑर्डर करना है तो 100 ऐसे आपको पड़ जाता है। ऐसे नहीं, इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं यार ऑर्डर कर लो, क्यों बना रही हो। क्योंकि ईद का जो पहला दिन होता है वो कुर्बानी और फिर गोश्त बांटना, फिर अपने लिए संभालना, और वो तुम कह रहे धो के रखना। मैंने पहली दफा कलेजी पकाई, जल्दी से पूछो ना, मुझे सब्र नहीं हो रहा, बता। चलो आएंगे जिया की तरफ, अब तुम अपने कपड़ों की बात बताओ। अच्छा निधा, टू बिगिन विद, ये बहुत मतलब मुझे सिंपल कपड़े पहनना अच्छा लग रहा होता है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले दिन क्या पहना था तुमने? अच्छा पहले दिन तो ये था। अच्छा निधा, इसका ये सीन है कि ये मैं आपके शो पे भी पहले पहन चुकी हूँ, और ये मैं आउट लाउड बता रही हूँ कि मैं कपड़े रिपीट करती हूँ, और मैंने ड्रामास में भी बहुत रिपीट किए, और बेसिकली करती ये हूँ कि क्योंकि अगर बाल खुले हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बहुत हाई और यू नो थोड़े मॉडरेट फैशनेबल लग गए, आपने बाल बांध लिया, दुपट्टा थोड़ा तरीके से ले लिया, तो आप फिर ईस्टर्न एलिमेंट आ जाता है। तो आई थिंक ये मैंने पहना, और इसके साथ जो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसका दुपट्टा ऑर्गेंजा का है और सिंपल है, तो अगर इसके साथ ये दुपट्टा आप पेयर अप करो, जो कि मेरी नंद का दुपट्टा है, और मैंने जरा खोल के दिखाते तो इसके साथ, क्योंकि इसके काम में कलर भी मैच हो रहा है, और ये साथ में ट्राउजर है क्या इसके साथ? जी मैं दिखाती हूँ, इसके साथ ट्राउजर है। ओह वाओ, ये दुपट्टे के साथ कंट्रास्ट कितना अच्छा हो रहा है। या
और इसमें जो है ना सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसका आपको अगर थोड़ा सा लड़की लड़की फील चाहिए तो आप ये पहन लो, और अगर आपको मैच्योर एक उस तरह की फील चाहिए, शादीशुदा के सास है, फैमिली है, तो आप इस तरह का दुपट्टा ले लो। इतने इसमें कामदानी है ना, कामदानी और बहुत हल्का है निधा, तुम लेकिन काम भरा हुआ है बहुत। और मुझे ये वो पीस होते हैं ना जो फैमिली के, अच्छा मुझे लगा वो जो सिल्वर वाला बाकायदा काम का काम कहते हैं इसे, हाथ का काम है, ये मशीन भी नहीं लग रहा मुझे, लग रहा है हाथ से हुआ, हल्का है। और लेकिन हाथ का दुपट्टा अगर आप खरीदने जाए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, वो ठीक ठाक काम होगा। कुर्ता भी बड़ा अच्छा लगेगा लेटर ऑन। अब जैसे ये मैंने पहना था सेकंड डे पे, तो अब इसके साथ ये दुपट्टा है, तो अब ये ऑब्वियसली ये तो प्यारा है ही, लेकिन इसके साथ फिर अगर हम इसको पेयर अप करें तो ये इसके साथ भी अच्छा लगेगा। अरे यार ये तो जबरदस्त बात होगी, ये ऐसे दुपट्टा खरीदना पड़ता है भाई, ये भी इसके साथ बॉर्डर मैच हो रहा है ना, बिल्कुल बॉर्डर मैच हो रहा है और थोड़ा सा कलर भी मिल रहा है, वो लैप हो रहा है। और आपको शादी ब्याह में जाने के आप ये भी तुम शादी में पहन भी जा सकते हो, एब्सोल्युटली। और इसको आप शॉल की तरह भी ले सकते हो, दुपट्टा कंधे पे ले लिया और शॉल की तरह शोल्डर पे, जैसे ये वाला ये जोड़ा है कि तुम शादी में पहन के ऐसे जा सकते हो कि लाइक हैवी ज्वेलरी वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर ये इसी तरह का इयररिंग होता और सिमिलर इसके कलर का होता कुछ, या थोड़ा भी इवन कि ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि व्हाइट आ रहा है, हल्का सा गोल्ड आ रहा होता तो ये इसके साथ, क्योंकि पर्ल्स भी आ रहे हैं तो वो लैंग्वेज मैच कर जाती है। तो बेसिक पॉइंट इज कि अगर ड्रेस हल्का है तो आप इयररिंग्स हैवी पहन लो, या ऐसा नहीं कि नेकलेस भी पहन लिया, इयररिंग्स भी पहन लिया, ठीक है, मतलब कम कम जैसे करो। मैं लेकर आई हूँ ना एक टाइम पे, मैंने कहा या तो मैं इस जोड़े के साथ या तो मैं इयररिंग्स पहनूंगी और अच्छी बड़ी सी रिंग पहनूंगी, या फिर मैं इयररिंग्स भी पहनूंगी, हैवी नेकलेस, एक लंबा लटकता हुआ पहन लूंगी, या फिर चोकर पहनूंगी, तो वो दोनों जोड़े जो है वो उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, शादी में आराम से पहन के जा सकते। लेकिन अभी जिस तरह आपने दुपट्टा कस यू लिया हुआ है तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे मुझे दुपट्टे के ऊपर जो किनारियां होती है ना छोटी सी, डिटेल में ही तो खूबसूरती है, नजाकत देती है, खूबसूरत लग रही है, गर्दन पे देते हैं आप तो वेरी फेमिनिन है ना दुपट्टा, ऐसे सिलवाया था तो मैंने ईद पे भी यही पहना, पैसे बहुत बचाने का शौक है मुझे। अच्छी बात है यार, क्योंकि चीज सीखनी चाहिए कि भाई हर ओकेजन पे नए कपड़े का बजट नहीं हो। अच्छा, और जबकि ये मैंने निधा जब मैंने खरीदा ना ये जोड़ा, तो ये मुझे शर्ट और दुपट्टा मिला 1400 रुपए का, और मैंने इसमें जो है वो सिर्फ गोटे की ये पतली वाली पाइपिंग लगाई है, और मैंने क्योंकि स्लिट ट्राउजर जो पेंसिल पैंट्स टाइप की होती है उसमें, क्योंकि आपके कर्वेचर अच्छा आ जाता है, और फिर इसमें मैंने दुपट्टे पे गोटा लगवाना था जो लगा नहीं, बट अगर मैं यही ड्रेस इस दुपट्टे के साथ लूँ विच इज द ऑर्गेंजा दुपट्टा, तो इसके साथ क्योंकि ये बेल लगी हुई है तो ये बहुत मिनिमल और सिंपल सा इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा, और मैं आई थिंक आई कैन इवन वेयर इट इन अ शादी। शादी में पहन लोगी? बिल्कुल। शादी में पहनोगी तो क्या क्या करोगी इसके साथ? अगर शादी में पहनती तो फॉर एग्जाम्पल example... कौन से इवेंट पे पहनना चाहोगी तुम ये? मायो वायो में सही, इवन नहीं वेडिंग, मेन वेडिंग डे, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा करके जाओ। आई बिलीव कि आपका अपना खुद का जो एक पर्सनैलिटी होती है, जो ऑरा होता है, वही काफी होता है। मुझे लगता है भी ये कहते हैं दुल्हन से कम दिखना चाहिए, बिल्कुल, और दुल्हन के मुकाबले पे तैयार होना ज्यादा तैयार होते हैं। तो ये इसके साथ होता है। अब इयररिंग फॉर एग्जाम्पल है तो बहुत सारे, लेकिन अब जैसे अगर ये ब्लू होते तो ये इसके साथ ये बहुत प्यारा लग रहा होता। लेकिन एक मिनट क्लोज कर लेंगे, ये मुझे आज में कंफ्यूज थी कि मैं ये वाला पहनूं या ये पहनूं जो मैंने अभी पहना, सो बहुत प्यार लगता। ये यहाँ से किया ना पाकिस्तान से? नहीं, ये तो बाहर का माल है, लिए नहीं नहीं ये अमेरिका नहीं है, ये मैंने चाइना से ऑर्डर किए थे। अच्छा, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम रही हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन वो ग्रेट यार, आप लोग भी चाइना से मंगवाएं, आपको बहुत अच्छी चीजें और बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिलेंगी। बहुत प्यारे बैग्स, इतने जबरदस्त। अच्छा, क्लचेस पे आते हैं निधा, तो देखिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑब्वियसली दिस इज द सिल्वर तो इसके साथ तो ये जाएगा नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब अगर आपको कहीं
फॉर्मल ओकेजन में जाने का क्लचेस ये है, ये थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल का है सब। मुझे कहते हैं पिंजरा लग रहा है, बट आई लाइक इट। जो भी अंदर रखा है सब देख रहे हैं। हां, और यही पॉइंट है, ये सब देख रहे हैं सब कुछ। ओह माय गॉड, लाइक तो बहुत अच्छा है, तो कितना चलेगा। बस ये क्या अंदर सब छका छैया नजर अंदर क्या रखा। मैं तो एक और कलरफुल पाउच, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना प्यारा है। ये भी हो सकता है एक और कलरफुल पाउच डालूं इसके अंदर, अपना सामान डाल। अच्छा, इनकी चेन्स थी निदा, वो मैंने उतारी नहीं है। इसके हिसाब का बना के मुझे यू वाला होता है। अच्छा जरा तुम्हें याद है इसकी प्राइस क्या थी कुछ? जी जी निदा, मुझे बिल्कुल याद है। दिस वन फॉर अबाउट, अच्छा मुझे बता दो सर, क्योंकि बहुत सस्ते हैं। The whole point of buying from China is actually अकलमंदी तो यही है यार। Oh my gosh, ये है transparent. एक और है वो देखो, देखिए। I love transparent. मैं क्योंकि खुद भी बहुत transparent और मतलब clear होता है ना, तो उस तरह I love wearing white and transparent. ये सारी चीजों के साथ जा सकता है। Yeah. किसी भी चीज के साथ आप इसको कितने का तकरीबन अच्छा बता दो। निदा ये शायद था 1500 का, ये था 2000 का और ये भी 2000 का। और निदा इसकी मैं आपको बात बताऊं, ये ऑनलाइन मंगवाया तुमने? हाँ, अली बाबा से मंगवा रही होगी। ये निदा खुल नहीं रहा अभी, चलें खुल गया। मैं आपको बताऊं, ये निदा प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसको आप ये देखें, ये सारा मटेरियल प्लास्टिक है। क्योंकि ये लगता नहीं है कि ये प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक है तभी ये बहुत चीप है। तो अब यही चीज यहाँ से आप लोगे तो आपको पड़ेंगे कम से कम 4000-3000 मिनिमम तकरीबन। लेकिन ये तो चेन भी प्लास्टिक, अकलमंद चेन भी प्लास्टिक की? नहीं, चेन प्लास्टिक की नहीं है, चेन तो एक्चुअल जो चेन है वैसी है। लेकिन भाई ये अकलमंदी बहुत आजकल काउंट करती है सीरियसली। अपने तो मैंने ना, मेरे पास आए 20,000 रुपए जो मैंने खुद रोके कि मैंने करनी है शॉपिंग। अगर मैं यहाँ जाती और शॉपिंग करती तो वो 20,000 में 2-3 चीजें आनी। तो मैंने ये किया कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैं ऑर्डर कर रही होती हूँ मोस्टली फ्रॉम चाइना, तो वो मैंने फिर ऑर्डर किया ऑनलाइन और फिर ये चीज़ें जब मेरी आई हैं तो मेरी इतनी सारी चीज़ें 20,000 रुपये में आ गई थी निदा। आई गॉट सो मेनी इयररिंग्स, इतने सारे इयररिंग्स, इवन कि दिस इयररिंग इज फॉर 400 रुपीज़ ओनली। क्या आप लोग मानेंगे कि ये 400 रुपये का है? मैं इस वक्त फुल वो कर रही हूँ मार्केट में, 2,500 रुपये का लग रहा है। यही तो बात है कि आपको इतने रीजनेबल प्राइस में बहुत कम्फर्टेबल है, नहीं बिल्कुल लाइट है, आपको फील भी नहीं हो रहा, देखने में लग रहा है हैवी है। यही तो बात है, क्योंकि अगर ये देखने में लग रहा होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये इसको भी, ये तो खैर हैवी बहुत डेलिकेट सा, लेकिन है इतना प्यारा। ये भी अच्छा, अब मैं शॉप खोलने वाली हूँ, मेरा मियाँ चाइनीज नेशनल है। वेरी गुड, फौरन मैं शॉप खोलने वाली हूँ, मेरा मियाँ चाइनीज नेशनल है, तो बचो सारे मुझसे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ये भी होते हैं। अच्छा, ये आइडिया पता है मुझे कैसे आया? बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे यूएस में, और वो अपनी सारी चीजें चाइना से मंगाते थे। तो एक दफा मुझे याद है कि वो काम कर रहे थे अपने कजिन के साथ, उन्होंने अपना एक कंटेनर, उस कजिन ने बोला कि मत मंगाओ, बिकॉज इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने मंगा लिया कंटेनर, इट्स अ रिस्क। तो उन्होंने मंगा लिया और इतफाक से वो प्रेसिडेंट जीत गया, तो वो सेल फॉरन हो गई। तो वो बहुत बड़ा रिस्क था जो उन्होंने लिया था। तो इसीलिए उनको हमेशा से है कि यार अच्छी चीज ढूंढो, सस्ती ढूंढो और पैसे जाया ना करो। ये तो हर जगह ऑनलाइन पे कभी कभार आप मंगाते जूतों चप्पल निकलती है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन के ये बड़े इशू हैं। लेकिन आप चाइना से जो ऑर्डर्स मंगाते हो ना, उसमें ये चीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं दराज से ऑर्डर करती हूँ तो मुझे मोस्टली ऐसा होता है कि कोई पीस मिसिंग है कुछ है, बट इधर से ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम तो बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं, आई ऑलवेज लाइक यू एनीवेज, थैंक यू, यू हैव टू हेल्प मी। डेफिनेटली बिल्कुल, और मैंने काफी एक्टर्स को भी हेल्प की है, मैंने काफी लोगों को, बिकॉज आई लव शेयरिंग। तो मैं सबको बताती हूँ यार ये मैंने यहाँ से लिया है। जैसे अभी हम टेलीफिल्म करते तो हिना अल्ताफ लव माई हील्स, तो उसने एक सीन में पहनी हुई, एंड वी ऑलवेज शेयर थिंग्स टुगेदर। और तो उसने मुझसे मांगी, उसने पूछा तुमने कहाँ से ली, मैंने उसको बताया, शी वाज शॉक्ड। और जब मैंने उसको प्राइस बताई तब तो वो बिल्कुल ही शॉक थी, कहती यार ना करो। मैंने कहा हाँ ये नहीं, बहुत नादिया हुसैन बहुत समझदारी, यस वो भी चाइना से कितना डिलीवर कराती है चीजें, तो वो वाली चीज है कि आपके पॉकेट में आ जाती चीज, पे तो आप शादी के लिए भी नए कपड़े बनवा सकते हैं। और निदा जब मेरा सामान आना शुरू हुआ ना अली एक्सप्रेस से, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम लगता है, उसके बाद आता है, तो 2-3 चीजें हैं। फिर ऑब्वियसली अली एक्सप्रेस से आप ऑर्डर कर सकते हो, एक और है ग्लैम हब नाम से, इस 2-3 वेबसाइट्स हैं। तो मैंने जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो टाइम लगाता है आने में, अब ऑब्वियसली इतना टाइम लगा उसके बाद आया, तो जब वो आया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुमने क्या क्या मंगाया, चीजें आना खत्म ही नहीं हो रही है, और ये कितने पैसे खर्च किए तुमने। एंड व्हेन आई शोड हिम द स्लिप, तो ही वाज लाइक सीरियसली, कहते अब और ऑर्डर करो, तुम करती रहो ऑर्डर, तुम रुकना नहीं। इंप्रेस होते हैं ना कि बिल्कुल, ही लव्स इट। और वो खुद कहता है कि यार तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद करो, बिकॉज उसको होता है कि मैं हमेशा बहुत अच्छी लग रही हूँ, और ये तो हर मियाँ की ख्वाहिश होती है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। तो मैं कहती हूँ वाई नॉट, थोड़ा लेजीनेस अपनी साइड करके बंदा कर ले। एंड ऑनलाइन शॉपिंग आई थिंक इज द बेस्ट थिंग, अगर आपको रिलायबल सेलर मिल जाए
तो इसीलिए तो कहते हैं कि औरत ही घर बनाती है. बिल्कुल. कि हस्बैंड जब उसको दे देता है, अच्छा जी ये लो पैसे तुम्हारे, ये इसी में तो चलाना है. तो इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी समझदारी, अपने सलीका शारी से भी घर बनता है और पैसे भी वही जमा करती है, कमेटियां भी वही डालती है, बच्चे की शादी करनी है या कुछ, तो हमेशा औरत की जिम्मेदारी होती है उसे कैसे लेके चलना है घर को. वो इसीलिए अनिता, जस्ट बिकॉज मैंने ये एक बार शॉपिंग कर ली ना, अब मेरी शूज टेलीफिल्म दो तीन मैंने निकाल ली. फिर मैंने अब जैसे इस जोड़े का आपको बताया, इसी तरह का मैंने एक और पिंक में जोड़ा लिया, उसमें मैंने ऑर्गेन्जा की स्लीव्स लगा दी. अच्छा. जब मैंने ऑर्गेन्जा की स्लीव लगाई, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया, तो वो 1400 रुपए का जोड़ा 4-5 हज़ार से कम का नहीं लग रहा था. और वो इतना प्यारा लगा पहन के भी, बिकॉज लेस इज मोर. तो वो हल्की सी बस गोटे की बेल थी एंड It looks so beautiful. आप कपड़ों में लेस इन मोर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी ज्वेलरी सेंस बहुत अच्छी है और वो भी आप सस्ती खरीद रहे हो, तो जब लेस कपड़े हैं तो मोर आप ज्वेलरी से उसको बैलेंस कर लेते हो. अच्छा जी, खाने के ऊपर आते हैं तो तुम, मैंने भी वैसे मैं हर ईद पे कुकिंग करती हूँ, लेकिन इस दफा जो है ना बड़ा हमने मजे का आइडिया सोचा. ईद के पहले दिन सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, तो हमने जो हमारा रेस्टोरेंट है फॉरेस्ट, उसके शेफ को हमने बुला लिया, भाई सुबह आ जाओ. तो हमने रेस्टोरेंट वाला खाना घर पे खाया. मेरी खाने पकाने की छुट्टी हो गई और मैंने बिल्कुल वो मजेदार रेस्टोरेंट वाला खाना क्या था, जो जो रेस्टोरेंट में सर्व हो रहा होता है. नहीं, जो रेस्टोरेंट में सर्व होता है उसकी रेसिपी जाहिर थी, टेस्ट था उसके पास. तो मैंने उसे बोला कि बकरा ईद का, बल्कि यासिर को ये आइडिया आया, उसने खुद ही मुझे कहा, मैंने नहीं कहा. तो यासिर ने कहा यार मुझे एक आइडिया आया कि कल तो रेस्टोरेंट बंद है, तो मैं अपने शेफ को बुला लेता हूँ, तो वो जो हमारी दावत का खाना है वो दो घंटे दावत का खाना. दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, क्योंकि बकरीद में तो होता है ना कुर्बानी के बाद बोटी खाने का दिल चाह रहा होता है. हमारे पूरी दोपहर में हमारी सुबह सुबह कुर्बानी होती है और उसके बाद 3-3:30 बजे सब लंच करने आ जाते, तो उस कुर्बानी के गोश्त से हम दावत भी करते हैं. Exactly. तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी. एज सच हमारे पास कढ़ाई, ब्लैक क्या कहते हैं, पेपर रेस्टोरेंट एट होम. अच्छा ये वाला देखो, ये तुम लोग देख रहे हो ना कीमा. हमने बनाने थे चपली कबाब, तो जब मेरा ड्राइवर जो है वो उसके पिसवा के लाया दुकान से, तो वो मोटा था, चपली कबाब नहीं बन रहे थे. तो उसने इतना अच्छा आइडिया किया, मैंने उससे कहा तुमसे चपली कबाब नहीं बन रहे और अब हमारे टाइम नहीं हमारे पास, तो तुम ऐसा करो कि वो मसाला जो चपली कबाब के अंदर डलता है वो उस कीमे में डाल दो. और वो फ्लेवर का इतना कोई मजे का बना, वो चपली कबाब के फ्लेवर का कीमा बन गया. सही. इस तरह मैंने टेबल सजाई थी, देखो पूरी लाइटें में रेस्टोरेंट एट होम लग रहा है. ये टेबल मैंने सेट की थी, ब्यूटीफुल पूरी चटाई टाइप, एक वो था रनर का बना हुआ, वो बिठाया. मैं बताती हूँ पूरा, हमने बनाया था मगज ब्रेन मसाला, रेस्टोरेंट वाले ने बनाया, रेस्टोरेंट वाला जायका था, जाहिर है वो ब्रेन मसाला बनाया उसने, चपली कीमा, चपली कबाब का मसाला कीमे में डाला, फिर ब्लैक पेपर कढ़ाई बनाई, फिर नमकीन गोश्त की कढ़ाई बनाई. ठीक है. अच्छा, फिर मैंने मुर्गी का भी कुछ रखा था, जो मुर्गी की बिरयानी थी और लज़ानिया था वो मुर्गी का था, वो मेरे जो घर पे शेफ थी उन्होंने बनाया. तो वो मैंने सिर्फ टेबल सजाई, डेकोरेट किया और अपने आप को सजाया. बहुत अच्छी बात है. इस दफा अच्छा, पहली दफा ऐसा हुआ, वरना हर दफा बकरा ईद जो स्पेशल ओकेजन होते हैं उसपे मेरी कुकिंग हुई. तो इस दफा तारीफ मेरी नहीं हुई, उसकी हुई शेफ. लेकिन आइडिया तो आपका था कि कबाब में मसाला डालना है. आइडिया नींद भी पूरी कर ली, कुर्बानी करवा के, फोटोशूट भी हो गया, फोटोशूट भी हो गया, मैं 1-2 घंटे सो भी गई, सुकून भी हो गया, सुकून भी रहा, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, अमन था, अमन, बच्चों को डांटनी पड़ी. हाँ ना, क्योंकि नींद पूरी थी ना और किचन में जो है थकन भी नहीं थी. थकन भी नहीं. कसम से यार, इतने काम करने होते हैं औरतों को घर पे, इतनी जिम्मेदारियां होती है, खत्म ही नहीं होता. शादी के बाद तो मुझे अंदाजा हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक ना. अच्छा, मैंने इस दफा जो है ना, मैं भी दिखाऊंगी, मैंने इस दफा नींद में भी काम याद आ रहे होते हैं, सुबह उठते उसको फोन कर लो. इस दफा मैंने ईद के गोश्त के लिए जो है ना वो डब्बे ऑर्डर ऑनलाइन मंगाए थे, डब्बे ऑर्डर किए. अच्छा. लेकिन वो गड़बड़ हो गई कुछ, अब वो क्या गड़बड़ हुई मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इतना प्यारा मजेदार किस्म का टॉपिक आज है, अल्लाह करे उससे आप सबको फायदा पहुंचे और आपकी मियाँ की जेब पे जो आप हाथ भारी डालती हैं वो हल्का हो जाए. मैं तो है ना उस पे हौला हाथ. बिल्कुल. अब जिया की बारी है. बिल्कुल, बिल्कुल जिया. तो भाई
जिया की तो जाहिर है अभी शादी हुई है तो वो इनकी तो कहानियां सुनने वाली है। अभी तो नई नवेली दुल्हन है। लेकिन उससे पहले एक ब्लंडर जो मुझसे हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़ा खुश थी, मैंने ऑनलाइन डब्बे मंगाए, दिखाओ जरा। हाँ, मैंने ऑनलाइन डब्बे मंगाए कि इस दफा मैं बड़े तमीज से, ये देखे डब्बे जो है बड़े तमीज से जो है सबको दूंगी। तो हाँ, अब मैंने गड़बड़ क्या, ईद का गोश्त इस मिठाई वाले डब्बों में। हाँ यार, ईद के लिए मतलब ऑनलाइन बकायदा इसी के लिए बकरे मुबारक। मैंने कहा यार अगर आप किसी गरीब को भी तो प्रेजेंटेबल हो तो अच्छा लगेगा, उसको हम पहले पकड़ा देते हैं। मुझसे गलती होगी कि वो जो कुर्बानी भी आपकी तरफ से खुद करके फिर आपको गोश्त भिजवाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट डब्बों में नीचे बटर पेपर बिछाया और डायरेक्ट डब्बों में ही गोश्त रख दिया। नहीं, डब्बों का कलर जो है वो गोश्त पे लग गया। और क्या शुक्र है, तुमने चार पांच बॉक्सेस ही दिए थे किसी को, तो मेरी जो खाना पकाने वाली, उन्होंने कहा बाजी ये डब्बों का कलर निकल रहा है और शॉपिंग बैग गोश्त जो है वो काला हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि डब्बों का कलर गोश्त पे लगा, ताजा गोश्त। तो फिर जिसके घर में गया एक बंदे ने तो फेंक ही दिया, भाजी ये तो खराब गोश्त है। मैंने कहा खराब नहीं है भाई, अभी तो कुर्बानी हुई है। तो वो डब्बों का कलर जो है गोश्त पे लग रहा था। तो मुझसे ये गलती हुई कि मैं इसे थैली में डाल के प्लास्टिक के डब्बे में रखना चाहिए। ये मुझे ब्लंडर हुआ, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था, तो खुश होके लोग हमने में भी बांटा। फिर आगे वाले डब्बों में ऐसे ही किया या फिर किया ही नहीं? डर गई आप? मैं डर गई। मेरी जितने भी लोग आए, हमारे घर ही आ जाते लोग जो भी जिनको जरूरत होती है गोश्त की, तो हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता, तो हमने थैलियों में डाल दिया। ब्लंडर हो गया ये, मैंने कहा ब्लंडर भी शेयर कर लूं। मगर ये ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, कोई मुझे 3,500 के 40 डब्बे आए थे। सही है ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन रंग तो ना छोड़ते। अब वो छोड़ रहे थे तो अकलमंदी ये थी कि मैं थैली में डाल के देती ना उसके, और भी डब्बा रखती। करना यही चाहिए था, इंस्टेड के आपने वो डब्बे जाया कर दिए। आप यही करती कि थैली में डाल और वो डब्बे में डाल दे, और डर के मारे फिर मैंने ये थैली वाला काम भी नहीं किया। मैंने कहा लेकिन डायरेक्ट डब्बे में डालना, या आई एम सॉरी टू से मैं ज्यादा सुगड़ बनने की कोशिश करती हूं भी, जो उसका जो मॉइस्चर होता है, जो खून होता है या पानी धुला हुआ होता है, वो भी लीक कर सकता था, कर सकता था ना, तो प्लास्टिक में डालना सेफ था। वैसे गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, 5-6 डब्बों पे हुई थी कह रहे। हाँ नहीं, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं किया ना ये, मैं अगली ईद पर जो है इसको अच्छे से संभाल के रखने लगे, क्योंकि मैं बहुत तमीज तरीके से हमेशा गोश्त बांटती हूँ। रिबन्स लगा के कलरफुल नहीं होते वो, जो आप कैंची से खींच के वो कर्ल कर सकते हैं, उसको प्लास्टिक में बंद करके या कभी बास्केट्स में, जैसे आप मिठाई या फूल दे रहे हो किसी। हाँ, मैं बहुत ऐसे तरीके से हमेशा गोश्त लेती हूँ। इस बात से, गोश्त थैली में डालने की बात से मुझे ये याद आया कि एक सक्शन आती है मशीन टाइप की, उसमें आप सक कर लेते हो, आपने गोश्त डाला, उसकी स्पेशल थैलियाँ भी आती हैं, उसमें एक होल हुआ हुआ होता है, तो आप सक करते हो तो वो एयर उसमें निकाल लेता है, और फिर आप उसको फ्रीजर में भी अगर रखते हो, जगह कम लेती है, और फ्रीजर में आप रखते हो तो लाइफ उसकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और वो फ्रेश ज़्यादा रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन हमने निकाल ली होती है। तो इसके लिए एक बहुत सस्ती सी मशीन भी आती है जो सील करने के लिए होती है। मैंने कोइल के लिए रखी हुई है, सारी गर्म कपड़ों के लिए और कोइल्स के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये सेम चीज आप अगर गोश्त में, बिल्कुल मिल जाएगी आपको, दराज पे भी मिल जाएगा। चाइना पे आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन दराज में आपको जल्दी मिल जाएगा। मैं तो हैरान रह गई, मेरी दोस्त यूके शिफ्ट हुई, तो मैंने कहा यार तुम अकेली रहती हो, तुम सफाई कैसे करती हो बच्चों के साथ, कितनी मुश्किल। रोबोट रखा हुआ, रोबोट रखा मैंने भी मंगाया है झाड़ू पोछे के लिए, और हमने उसका नाम गुफ्ता रखा है। तुमने भी मंगवाया? हाँ, घर में कराची में वो रोबोट है, और वो भी मैंने चाइना से ही मंगाया है, और वो झाड़ू पोछा करता है। और एक और निदा मैं मंगा रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली डस्टबिन में भी जाके अपने आप को थ्रो कर देता है, वो थोड़ा महंगा है उससे, लेकिन आप झाड़ू पोछा सही करता है, बिल्कुल। जो मासे की खच पर उसके सेंसर लगे हुए हैं, अब वो टेबल है या क्या है वो सही से सफाई करेगा। ये काम कभी ना करूं क्योंकि मुझे किसी की रोजी रोटी पे लात मारना नहीं लगा। लेकिन यार इंग्लैंड और अमेरिका वे यू कांट अफोर्ड मेड्स बिकॉज़ मेड्स आर वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर इन हांगकांग। आई माइट डू दिस, बट इन पाकिस्तान में नौकर है, नौकर भी जाहिर सी बातें है, लेकिन नौकर जब नहीं भी होता और जब नौकर है तो ये नौकर के लिए आसानी है, बिकॉज मैंने पेपर प्लेट्स, मेरे घर में नौकर है बट फिर भी हम पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स यूज करते हैं, बिकॉज आप क्यों वाटर जाया करो और सब कुछ करो, और अमेरिका का सिस्टम है ना, हमने दावत में पेपर प्लेट रखी ना बेटा, ये बताएं तो पापी पेपर प्लेट नहीं खा जाता, मुझे ये बताएं ऑप्शन आप दे दे, खुद सफाई हम लोग करते हैं
तो मुझे तो पता है ना कि मुझे यहाँ से भी ये चीज उठा के नीचे से भी झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है और डस्टिंग करनी है और मुझे इस कोने में भी जाना है, मुझे ये चीज वो रोबोट कैसे करेगा? क्योंकि उसमें सेंसर लगे हैं और उसको वो टाइम लेता है, एक हफ्ते में ट्रेन हो जाता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई इधर जाना फिर इधर से जाना, ट्रेनिंग होती है उसकी, क्योंकि वो न्यू जगह होती है, वो फिर इतना स्मार्ट, क्योंकि इट्स कॉल्ड अ स्मार्ट रोबोट, तो वो फिर आपकी स्पेस से पूरा जैसे क्या करता है, झाड़ू भी, झाड़ू पोछा दोनों। ये मैं तो देखकर हैरान रह गई, शॉक्ड। मैं मुझे भी पहली दफा पता चला, पता ही नहीं था, छोटा सा गोल था, बिल्कुल। तो मुझे तो उससे वीडियो बना के भेजी मेरी दोस्त, मैंने कहा माय गॉड, मैं तो तुम पे तर्स खा रही थी कि तीन मंजिले घर की तुम झाड़ू पोछा कैसे करती हो। तो कह रही ना मुझे तो मसला ही नहीं, सुबह लगा देती हूँ, वो अपने आराम से सफाई करता रहता है। और नहीं तो ये वाले जो होते हैं 8,000 से 16,000 30,000 तक आपको मिल जाते हैं, अच्छे बता रही है ना, और अगर 30,000 तक, और अगर आप 8 से 30,000 सोफों के पीछे घुस हर जगह, आपके कोई फ्लोर को किसी जगह को वो नहीं छोड़ेगा, और काम इन्वेस्टमेंट। और जो वो वाला है जैसे सेल पे चलता है यार, बैटरी चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज, और जो ऑटो चार्ज होता है और ऑटो आपको भेज देता है, वो है अबव 1 लाख, आई थिंक। नहीं तो और मोटी हो जाएगी, खबरदार। जो मतलब एक रोबोट ऐसा भी आया जो कचरा भी फेंक देता है, कचरा भी फेंकता है, अपने आपको खुद चार्ज करता है, उसके बाद आपको जिंदगी में टेंशन नहीं होगी, डस्टिंग आप खुद करें, लेकिन बाकी देखिए मैं अपने मियां को बिल्कुल तंग नहीं करती कि मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए, खुद रोबोट चाहिए। रोबोट तो मेरे पीछे पड़ जाएगा घर जाते ही कि मुझे ये दोनों रोबोट चाहिए, कचरा फेंकने वाला भी और सफाई का। चलो तुम्हारे कपड़ों पे आ जाए, टाइम ही ना खत्म हो जाए, पक्का सफाई होनी पड़ेगी। दुल्हन बताइए जरा आपने ऑफ। मैंने एक तो खाना पकाने में बहुत मजे लिए इस दफा, मैं सुबह यूजुअली जल्दी उठती हूँ, 5:30 बजे में उठी, मैंने कलेजी का शोर मचाया हुआ था, मैंने पहली दफा कलेजी पकाई, पिक्चर भी दिखाते रहे साथ, और बहुत जबरदस्त पहले दिन का कपड़े ये पहले दिन का हाँ। वो दूसरे दिन मैंने पहना था, ये बहुत प्यारा, ये हाँ। ये हमारा घर ही है, फैमिली के साथ भी पिक्चर्स हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ रहे, पता नहीं कितना स्लो मोशन में चल रही है हमारी ये तो मैंने खास कोई जरा पोजिंग शोजिंग की आप लोगों के लिए, अदरवाइज फैमिली के साथ भी थी पिक्चर, फैमिली के साथ नहीं आई, बहुत सूट करते हैं। ये मैंने बस बाल धोए धोए पहले दिन हाँ। और फटाफट जो है वो तस्वीरें आप लोग फुल भाई मेकअप भी किया हुआ है, हाँ खुद किया हुआ है, ये तीसरे दिन, क्या बात है भाई। एक दोस्त के सलून में जाके फटाफट मैंने उसे थोड़ा सा मेकअप कराया आप लोगों हाँ। के लिए, हम लोग एक डिनर पे जा रहे थे, ये वाला गाउन जो है ये है, ये है असल वाली जिया अली हाँ। इनको गौर से देखिए, यही है वो, यही असल वाली हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये गाउन है। अच्छा ये जहीर अब्बास का गाउन मैंने लिया था कोई आज से 5 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है 5-6 साल पहले, ये मैंने इतने प्लेस में भी पहना है, इसके साथ मैं कभी पिंक पहन लेती हूँ, कभी गोल्ड पहन लेती हूँ, कभी ब्लैक पहन लेती हूँ, कभी कभी बेज पहन लेती हूँ, कभी इसको स्टॉल के साथ पहन लेती हूँ, कभी विदाउट पहन लेती हूँ। ये गाउन मुझे लग रहा है कि ये मैं सारी जिंदगी नहीं फेंकूंगी, एक तो हाथ का काम है बहुत डेलिकेट है, जहीर का बहुत प्यारा, जहीर के मोस्ट आपने तो पहने में मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस उसके जो है वो मैं बस उसको पता है मेरे स्टाइल का हाँ। एंड दिस इज लाइक मेरी खाला ने मुझे शादी पे दिया था अल्लाह, और ये एसके डिजाइन हाउस है, शिमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मुझे सी के दिया। अब यूजुअली लोग इसके साथ जो बाजार से भी मिलता है वो मिलता है आपको, मुझे ये गोटा बड़ा अट्रैक्ट करता है हाँ, ये गोटे का सूट है, गोटे की साथ बोलते हैं इसको, उसने वो लगाई भी है, मेरे पास टाइम कम है, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगी। और यूजुअली लोग इसके साथ काला लाल पजामा, मैंने लाल चूड़ीदार पजामा भी सिलवाया इसके साथ, लेकिन इस तरह का जो ये गोल्ड सा है ये शादी पे भी काम आएगा। अब अगर मैंने कहीं प्लेन जाना है तो मैं प्लेन दुपट्टा इसके साथ कोई भी प्लेन दुपट्टा पहन लूंगी, और अभी शादी है तो चलता है मेरा, थोड़ा सा हैवी भी हाँ चलता है, अभी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं अभी ना मेरे ईद के शो में नादिया खान आई थी तो कहने लगी कितने भी भारी कपड़े पहन लो, शादी के बाद की जो ईद होती है उसमें कोई कुछ नहीं कहता हाँ, कोई कुछ नहीं। अब देखिए ना मैंने ये वाले सारे कपड़े पहने हाँ। और अल्लाह का शुक्र है, अब जैसे ये वाला ब्लैक है ये भी शिमी का है, एसके डिजाइन हाउस शिमी का, बहुत अच्छी लगती है मुझे डिजाइनर की, वो कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा यूज करती है और कलर्स में बहुत वेरिएशंस होती है। इसके साथ मैं गोल्ड पजामा पहन सकती हूँ, ब्लैक पजामा पहन सकती हूँ, सिल्वर पहन सकती हूँ, इसके साथ प्रिंट है ना? प्लेन ऑर्गेंजा का दुपट्टा भी जाता है, ये दुपट्टा भी जाता है, ये दुपट्टा मैं कुर्ते में भी इस्तेमाल करूंगी बाद में, पहले मैं इसको ऐसे पहन लूंगी प्लेन कुर्ते के साथ पहन लिया, या इसके साथ हैवी गरारे, मेरे पास दो टांगों वाले गरारे हैं, वो वाले
बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, मतलब आप इसे बाकायदा गरारे के साथ पहनो तो ये पूरा मेहंदी वाला जोड़ा, पूरा मेहंदी वाला और हैवी दुपट्टा इसके साथ ले लो, हैवी थोड़ी सी कुंदन की ज्वेलरी वगैरह पहन लो. और मेरा वो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जोड़े में अपना फ्यूचर देख रही होती हूँ कम से कम 7 से 8 दफा. आप तो अपने जोड़ों में अपना फ्यूचर देख रही होती है ना, मैं अपने खानदान के जोड़ों में देख रही होती हूँ जिसका दुपट्टा पसंद आया. मेरे माइयों का दुपट्टा मुझे याद है, तस्वीरें भी मेरे पास नहीं है, माइयों का सूट मैंने बना लिया, मुझे दुपट्टा समझ ना आया. तो मेरी सास है, मेरे मियाँ की जो खाला है, उन्होंने मुझे बड़ा ही खूबसूरत एक जोड़ा दिया था, एक दुपट्टा दिया था खाला सास ने. अब जैसे ये प्लेन सूट है, अब इसके साथ में 101 तरह के डिफरेंट कलर्स के दुपट्टे, गोल्डन चीजें, हैवी चीज पहन के किसी की माइयों पे भी ये पहन सकती हूँ. मैं बस इतने प्लेन सूट है निदा, हर रंग का मेरे पास प्लेन सूट है, उसके साथ प्रिंटेड दुपट्टे और चीजें. जैसे एक वाइट कुर्ते, अब ये वाइट कुर्ता भी मैंने जहीर से लिया हुआ है, ये भी मैंने उसी के साथ जब जरा ज्यादा पैसे आते हैं मैं कपड़े ले लेती हूँ. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं डिजाइनर्स के कपड़े, लेकिन कट बहुत अच्छा, इनके कट और इनके फैब्रिक्स इतने अच्छे होते हैं कि आप इनके साथ इतनी डिफरेंट चीजों के साथ आकर. दूसरी बात है आपको ये है कि फिर आप बार बार पहन सकते हैं. आप जैसे ऐसा चुभने वाला या अकड़ा हुआ कपड़ा लेके फिर आपका दिल भी नहीं चाहेगा इसके साथ. जैसे ये, अरे वाह, ये हो या वो, दोनों अच्छे, दोनों. ये मैं कभी इंडिया ट्रेवल कर रही होती हूँ या दूसरे मुल्कों में तो मैं इनको इस तरह भी यूज कर लेती हूँ. लेकिन ये वाला बहुत, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. हाँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है रेड कलर आपका भी फेवरेट है. अब ये वाला मुझे बहुत पसंद है. ये सारे वो दुपट्टे हैं जिनको फ्यूचर में मैंने कुर्ते भी बना लेना है या शर्ट्स बना लेना है. ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे इतना अच्छा लगता है. इसका बॉर्डर इतना खूबसूरत है कि ये दुपट्टा भी मैंने, बेज वाला जो मैंने सूट आपको दिखाया इसके साथ भी मैं अक्सर ले लेती हूँ और मैं इसके साथ भी आपको पिंक के साथ ले लिया, किसी के साथ ले लिया. जनरेशन मेरा फेवरेट बुटीक है क्योंकि वहां से भी बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं. इसी तरह ये सोनिया बाटला का कुर्ता मुझे याद है, ये 20-22 साल पहले मैंने खरीदा था. हाँ, जब मैंने नई नई मॉडलिंग शुरू की थी और सोनिया थी तो मैंने इतने पुराने पुराने कपड़े, आई रिमेम्बर बहुत सारे ऐसे कपड़े मेरे दोस्तों को मैं पहनने के लिए गिफ्ट दे देती हूँ और वो फिर मेरे पास कहीं ना कहीं निकलते हैं. काम वाले हैवी कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, चलो लाइट कपड़ों के साथ तो आप कर लेते हो. जो मेरा मेन शौक है, मैं आज इतने कपड़े लेके नहीं आई, जो मेरा मेन शौक है कि आप काम वाले हैवी कपड़ों के जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं. अब जैसे ये भी मैंने शमी से लिया है, अब इस कमीज के साथ जो है मैं इस तरह का सिल्वर या मेहरून प्लेन घगरे और घरारे ऐसे बना के रख लूंगी दो टांगों वाले, ताकि इस कमीज को मैं कोई कम से कम 7 दफा 8 दफा मैं पहनूं. इस प्लेन के साथ अभी पहन लिया है, फिर मैं बेज के साथ पहन लूंगी, फिर मैं घरारे बना लूंगी, फिर मैं इसको, फिर इस कमीज को इतना ज्यादा फैब्रिक है कि मैंने वाकई इस कमीज को खुलवाना और शॉर्ट शर्ट बना लेना. जब इसका मूड आगे खत्म हो जाए, क्योंकि ये वो काम और एक्सपेंसिव कपड़े हैं दैट यू कांट बार बार नहीं आप बना सकते. यू कांट थ्रो, मतलब मुझे याद है कि अम्मी हमेशा, अम्मी के और मेरे कपड़े एक जैसे बना करते थे. मैं बहुत सारी तस्वीरें भी अक्सर यूज़ करती हूँ कि ये जो कफायत शारी है या ये यहाँ मर्दों के पैसे या इवन अपने पैसे भी सेव करना, इसमें जो सेटिस्फेक्शन है और किसी चीज़ में नहीं होती. हाँ, मैं कसम से कभी कभी ऐसी वार्डरोब बना लेती हूँ कि मैं दिन में 2-3 दफ़ा मुझे अचीवमेंट चाहिए होती है ना, कोई खुशी चाहिए, तो मैं जाके अपनी वार्डरोब खोलती हूँ. हाँ, मैंने यहाँ भी पैसे बचाए थे. हाँ, मैं बहुत किफ़ायत शारी हूँ क्योंकि मेरे भाई मुझे बहुत फजूल खर्च कहते हैं. हाँ. वो मैं सिर्फ ट्रैवलिंग पे खर्च करती हूँ, जहाँ जिसे कहते हैं ना आपकी रूह को सुकून मिलता. हाँ. है ट्रैवल करके, हिल्स पे जाके या बीच पे जाके. खाने पीने में मैं पैसे खर्च करती हूँ, हेल्दी चीज़ों में, लर्निंग में, जैसे अपना ब्रांड मैं बना रही हूँ वहाँ पे मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हूँ कि अगर वो चीज़ को यूज़ कर रहा है, खा रहा है या लगा रहा है तो वो चीज़ उसको फ़ायदा दे. मैं झूठ नहीं बोल सकती लोगों के साथ, मेरा ये एक मुझे अच्छी चीज लगती है अपने बारे में. इसी तरह ज्वेलरी मैं समझती हूँ, जैसे अभी ये वाले मेरे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट थी जब मैं बहुत ज्यादा इंडिया जाती थी. अब ये 20 साल पहले मैंने, 20-22 साल पहले मुझे याद है कि ये मैंने लिया था. कैसे संभाला है लड़की, और इसको हल्का सा पॉलिश, ये मैंने इंडिया से लिया था, बैंगलोर से. और ये उस दौर में मुझे याद है कि पाकिस्तानी 500 रुपए में पड़ा था मुझे. अच्छा, बहुत प्यारा है. और इसका एक मोती आज तक नहीं गिरा, अल्लाह का शुक्र है. कलर भी खराब नहीं हुआ, कलर भी खराब नहीं हुआ जब इसको दो. और मेरा कोई ये कि ठीक है ज्वेलरी में ले लेती हूँ लेकिन बस फीकी भी होती है. ये ब्रास का बना हुआ है,
मुझे लग रहा है कुछ ऐसा लगा हुआ, लेकिन ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा ब्रास हल्का होता है और मोती नहीं गिरे। मुझे जो ज्वेलरी वो बुरी लगती है जिसके जिसके स्टोन्स निकल जाए बहुत खराब हो जाते, एक स्टोन निकल जाए खराब। श्रीलंका से भी मुझे बहुत बहुत अच्छी ज्वेलरी मिली, अब तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान से भी ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलने लगी है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा ज्वेलरी का बिजनेस है, लोगों ने ऑनलाइन भी बड़ी पसंद आई थी भाई, जैसे कि इसने कहा ना ऑनलाइन जाए भाई, ऑनलाइन जाके पता करें आपको पता चल जाएगा कि दुनिया शॉपिंग। मैंने बेडशीट्स ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिए, एक जमाना होता था कि मुझे एक दौरा लगता था बकायदा मैं कहीं जा रही हूँ बेडशीट जमा करके लानी, अब मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ इतनी अच्छी आ रही है, मजेदार और डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी समझदारी वाली टिप्स जो है वो हमारे लोगों से शेयर की, उम्मीद है कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, इन लोगों को यहाँ मैं खुदा हाफिज़ कर रही हूँ और वक्फे के बाद क्या होगा ये जानेंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई ईद से पहले हर किसी को शौक होता है चमकने का, लेकिन ईद के बाद भी चमकना पड़ता है, शादियों का सीजन है और वैसे ही इतनी मेहनत मुशक्कत कर कर के फार्म हाउसेस जाके पिकनिक्स पे जा जा के स्किन हो जाती है ख़राब, तो मुझे इस वक्त याद आई कोमल की और मैंने बुला लिया ट्रूली कोमल। I love your introductions. Every time they're like a different, unique introduction. हाँ ना अभी जरूरत है भाई, शादी सर पर है, शादियाँ लोगों की तो लॉकडाउन लग चुका है, अब आप कैसे करेंगे अपनी स्किन का ख्याल? भाई मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ when it comes to स्किन केयर, लोग समझते हैं कि स्किन केयर जो है वो आप एक दफा कुछ लगा लें और आप ठीक हो जाएंगे और वो शॉर्टकट चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज जिस तरह आप अपनी डाइट का ख्याल कॉन्स्टेंटली रखना पड़ता है, इसी तरह स्किन का, बालों का, नाखूनों का कॉन्स्टेंटली ख्याल रखना पड़ता है। और जो सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है जो आपको आपकी स्किन को जिसकी रिकवरी जिसका ग्लो स्पीड अप करेगा वो है सीरम्स। तो आज निदा मैं आई हूँ खास आपकी ऑडियंस को बताने इम्पोर्टेंस ऑफ सीरम्स। सबसे पहले आई'd लाइक टू टॉक अबाउट माई मोस्ट पॉपुलर सीरम which is the glow serum with vitamin C. Now this serum, सबसे पहले तो सब अब जानते हैं vitamin C की importance. Vitamin C ना सिर्फ अगर आप खाएं तो आपकी immunity बढ़ाता है, आपका cold दूर करता है, even COVID पे लोग कह रहे थे vitamin C, that's how powerful vitamin C is. And imagine अगर आप उसको topically apply करें अपने skin पे, तो vitamin C आपकी जो skin है उसको ना सिर्फ heal करेगा, बल्कि it will also help it grow, glow, and it will, you know, vitamin C is like food for the skin. उसके अलावा द रीजन ये सिरम पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड सिरम है कि इसमें स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो फितरतन जाके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, उनमें इतने इंटेलिजेंस होता है स्टेम सेल्स में कि वो खुद ही जाके आपकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है लाइक रोजेशा और एक्जिमा, तो अगर आपको नॉर्मल जैसे पिगमेंटेशन है या आपको सन टैन हुआ हुआ है जैसे आजकल मुझे हुआ हुआ है, या अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या आपकी ड्राई स्किन बहुत हो रही है, या मेकअप आपका टिक नहीं रहा है, यू नो कभी कभी मेकअप खड़ता है, मेकअप पैची पैची हो जाता है, तो ये जो सिरम है आई स्वेयर बाय इट, ये मैं खुद लगाती हूँ। इसके बगैर मैं बहुत ज़्यादा इनफैक्ट लगाती हूँ, 3-4 दफ़ा दिन में लगाती हूँ, लेकिन मिनिमम ट्वाइस अ डे ये आपको हर दफ़ा लगाना चाहिए। अच्छा, ये चूंकि आपको ग्लो देता है तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो इसको आप दिन में एक दफ़ा लगाएं, क्योंकि बेसिकली इट्स हाइड्रेटिंग योर स्किन। नाउ इफ यू ओवर हाइड्रेट योर स्किन समटाइम्स यू कैन गेट एक्नी। एक्नी के लिए मेरे पास ये सिरम है जो कि हालांकि ये एक्नी सिरम है। अच्छा, इससे पहले कि आप एक्नी सिरम पे जाएं, मैंने एक बहुत जरूरी सवाल विटामिन सी सिरम के बारे में पूछना, और वो सवाल ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि आपकी क्रीम्स लगाने से पहले या कोई भी फेशियल प्रोडक्ट लगाने से पहले आप रेकमेंड करती हो कि ये विटामिन सी सिरम लगाओ, मतलब डबल डबल क्यों, क्या वजह है? डबल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई विल टेल यू व्हाट, सिरम्स जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है। अच्छा, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है. अच्छा. तो आपका जो स्किन, पोरस स्किन होती है आपकी ना, अब्सॉर्ब करती है चीजें. हाँ. आप कुछ लगाते हैं तो उसके ऊपर तो नहीं रहती, अब्सॉर्ब हो जाती है. ओके. तो जो तरतीब है लगाने की. अच्छा. वो पहले आप जो ज्यादा पोटेंट चीज है और जो स्मॉल हल्की जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थिन है वो आप पहले लगाएं ताकि वो अंदर चली जाए. उसके बाद उसके ऊपर आप अपना सनब्लॉक या मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि क्रीम्स आर थिकर, मोटी होती है ज्यादा. उसके ऊपर आप अपने फेस ऑयल्स लगाएं या अपना प्राइमर लगाएं, क्योंकि आप नोट करें कि जब आप प्राइमर लगाते हैं या आप फेस ऑयल्स लगाते हैं तो वो बहुत मोटे मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, तो वो आपकी सरफेस पे बैठती है, विच इज व्हाट मेक्स योर मेकअप अमेजिंग. नाउ आई कमिंग बैक टू दिस अगेन, क्योंकि अब इसमें आपने सवाल पूछा, लाइक आई कैन टॉक अबाउट दिस सीरम फॉर 4 आवर्स, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल लाइक लैला वास्ती एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, दे क्लेम दैट इसके बाद उनको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अच्छा. आई डोंट क्लेम दैट दिस इज अ प्राइमर, बट ये इतना जबरदस्त आपकी स्किन को स्मूदन कर देता है that you can also maybe if you don't have a lot of problems maybe use it as a primer. Now if you do have acne problems then ye I can't even begin to tell you ki ye acne serum kitna acha hai, kyunki usually acne serums mein salicylic acid hota hai jo ki ek global phenomena hai as far as ingredients is concerned, that salicylic acid is the safest ingredient to get rid of aapke jo inflammation hai, aapki jo redness hai, aapki jo itchiness hai, aapke pimples ko bitha deta hai zyada jaldi. So salicylic to world over bahut sare products mein dala jata hai, lekin maine isme na sirf salicylic acid dala hai balki isme hyaluronic acid bhi dala hai. Now aap logon ko lag raha hoga ki main bahut technical ho rahi hu, lekin bahut simple terms mein hyaluronic ek aisa magical इंग्रेडिएंट है कि ये आपकी स्किन को, ये क्या करता है हाइलुरोनिक एसिड कि ये हवा की ह्यूमिडिटी को अपने अपने जो अपना जो मेकअप है उसमें वो यूं पकड़ लेता है. तो आप जब वो लगाते हैं तो जितनी ह्यूमिडिटी आपके अराउंड हो रही है वो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब करके उसको लॉक कर देता है मॉइस्चर को. ओके. तो दैट मॉइस्चर हाइड्रेट्स योर स्किन. डिहाइड्रेटेड स्किन लगती है ना, ऐसे जैसे अजीब उखड़ी उखड़ी, ड्राई, ग्रे ग्रे ग्रे, वो नहीं लगती. एकदम से हाइलुरोनिक एसिड इज, आई लव हाइलुरोनिक एसिड. मैं कभी कभी खाली हाइलुरोनिक एसिड भी लगा लेती हूँ, इवन दो आई डोंट हैव ड्राई स्किन और आई डोंट हैव इवन कॉम्बिनेशन स्किन, लेकिन मुझे ग्लो वगैरह आती है चेहरे पे हाइलुरोनिक एसिड की. और यूथ आई थिंक जो आप यंग लगते हैं ना, वो आपकी प्लम्प जब स्किन हो, आई मीन बाय प्लम्प आई डोंट मीन फैट, आई मीन लाइक योर स्किन नीड्स टू लुक वेरी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड, एंड आप यंग लगने लगते हैं बिकॉज यू हैव हाइड्रेटेड स्किन. इसमें एक्नी जिन लोगों को होती है वो डर लगता है उन लोगों को कि हम अगर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे तो हमें और पिंपल्स हो जाएंगे, लेकिन ये हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि ये खास आपकी वो जगहें अटेंड करता है. अब आपके 3 पिंपल हैं फर्ज करें, 1, 2, 3, आपने यहाँ आपने स्पॉट सीरम लगाया तो आप बाकी स्किन को तो मॉइस्चराइज करेंगे राइट, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इस डर के मारे कि हमें और पिंपल्स हो जाएंगे. तो ये सीरम ना सिर्फ स्पॉट सीरम है, इसको आप अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है आप आराम से अपने पूरे मुंह पे लगा सकते हैं और आपको ड्राइनेस नहीं होगी. सो नाउ आई कम टू माई, जिसे मैं कहती हूँ कि यूथफुल, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक यूथफुल. So one of the most, I would say, powerful metals out there, जो कि आपको वाकई में ग्लो देते हैं, जो लोग अपने कानों में भी पहनते हैं और अपने हाथों में भी पहनते हैं, वो है गोल्ड. प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में, लोग क्लेम करते हैं कि गोल्ड सरम, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि गोल्ड सरम है, लेकिन उसमें रियल गोल्ड नहीं होता है, क्योंकि अगर रियल गोल्ड होता तो वो 600-800 हज़ार रुपये की हो ही नहीं सकती थी. इसमें मैंने रियल असली गोल्ड फ्लेक्स डाले हैं जो कि स्किन फ्रेंडली हैं. ये नहीं कि आप सोना मुंह पे लगा लें और आप जो है वो यंग हो जाएंगे. इट्स अ स्पेशली फॉर्मुलेटेड गोल्ड मिक्स्ड विद सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी स्किन उस गोल्ड का जो फवायद है वो अब्सॉर्ब कर सकती है. और वो जो है वो हर इंसान नहीं बना सकता है, वो खास स्किन केयर केमिस्ट्स बनाते हैं. जिन केमिस्ट को मैं कनाडा से मैं हायर करती हूँ और इतने पैसे देती हूँ एक ज़बरदस्त फॉर्मूला बनाने की, तो एंटी एजिंग और ग्लो, यानी आपकी जो फाइन लाइन्स शुरू हो जाती हैं, आपकी सैगिंग शुरू हो जाती है, सबसे पहले तो ये जगह सैग करती है, उसके बाद यहाँ लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, फिर ये लाइन आनी शुरू हो जाती है, फिर ये लाइन
नाउ अगर आप अपनी मिड ट्वेंटीज से अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे, लोग कहेंगे हाय हाय मिड ट्वेंटीज से तुम एंटी एजिंग, नहीं, एंटी एजिंग का मतलब है एज प्रिवेंशन. इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुढ़े हो चुके हैं तो आप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एज को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो जल्दी हो जाए. कौन सी उम्र से शुरू करेंगे? इजिली आई वुड से इट्स डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, क्योंकि कुछ लोग जेनेटिकली जरा जल्दी एज करते हैं. हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, पाकिस्तानी वुमेन दे स्टार्ट एजिंग इन देयर 40s, बट आई हैव बीन अप्लाइंग दिस सिंस माय मिड 20s. तो आप 24-25 साल की उम्र से आप सोचना शुरू कर दें, और इफ आई वर यू, अगर आप लंबा अपना ख्याल रखना चाहते हैं और बहुत प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं एजिंग, तो आई वुड स्टार्ट बाइंग दिस एट 25. बट बिकॉज इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव, आप लेट 20s में भी शुरू कर लें तो इट्स नॉट टू लेट. बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एक दफा रिंकल हो गई ना तो देन तो फिर तो गए, बहुत प्रॉब्लम हो जाए, इंजेक्शन के पीछे भागना, फिर आप कॉस्मेटिक्स में आ जाएंगे, एस्थेटिक्स में आ जाएंगे, और वो महंगा होता है. और यू नो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट फॉर इट, अ लॉट ऑफ पीपल डू इट, बट यू नो इट्स अननेसेसरी. अगर आप अपना ख्याल रखें, फिर एक दफा करा लिया तो फिर करवाना पड़ता है, यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू हैव टू कीप डूइंग इट, सो इट्स जस्ट नॉट रिकमेंडेड, राइट? सो ये तो हो गया हमारा स्किन का टॉपिक. ये तीन हमारे सीरम्स जो हैं गाइस, नीचे नंबर लिखा हुआ है, प्लीज ऑर्डर दिस, बिकॉज हाँ मैं निदा के शो पे आके हमेशा जिन प्रोडक्ट्स का डिस्कशन करती हूँ उन पे मैं फैबुलस डिस्काउंट्स देती हूँ. और इन तीन सीरम्स पे अगर आप इस हफ्ते ऑर्डर करेंगे ये तीन सीरम्स, तो आपको 20% यानी 20% आपको ऑफ मिलेगा. एंड प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं, मेरे पास बहुत बड़ा एक कस्टमर केयर टीम सर्विस है, लेकिन यू नो हमें हजारों कॉल्स आती हैं, सो प्लीज अगर फौरन जवाब नहीं दे रहे तो प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज चेक आउट हाउ अमेजिंग माय सीरम इज. ऑलराइट, इसके अलावा वी हैव एन आई सीरम, एंड दिस आई सीरम इज द मोस्ट अमेजिंग आई सीरम. निदा मैं मेरे वो मेरा हमारा जो आई सीरम है मेरे, अगर तुम नोट करो यहाँ एक रिंकल है जो आती है, राइट? और मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि मैंने कहा ये हटा दे रिंकल, तो उन्होंने कहा कि ये रिंकल नहीं है, आप हंसती हैं, आपके बड़े चीक्स हैं, तो ये एक फोल्ड बनता है. ये मैं नहीं हटा सकती. तो कहने लगी कि मैं ये हटा ही नहीं सकती, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद नो रिंकल्स. लेकिन वो आई सीरम मेरी टेबल पे रखा रहता है, और मैं जब भी मैं फ्री होती हूँ वो आई सीरम मैं रोल ऑन, इट्स अ ब्यूटीफुल रोल ऑन सीरम, वो मैं अपने आंखों के नीचे ऐसे ही लगा लेती हूँ. इट्स लाइक वेरी हार्मलेस, इट्स मेड ऑफ पेप्टाइड. बचा भी रहे ना कि रिंकल आए ना. या क्योंकि एक दफा रिंकल आ गया वो भी आंखों में, तो देन आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते. आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत मुश्किल से नीचे जो सेंसिटिव डेलिकेट एरिया है इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइफ टाइम आप स्टक रहेंगे इसके साथ, राइट? So, ये तो हो गया हमारे ब्यूटीफुल चार आई सीरम्स जिन पे 20% ऑफ है. प्लीज ऑर्डर नाउ. एंड नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय हेयर सीरम्स. अच्छा, ये निदा मेरे जो दो हेयर सीरम्स हैं, ये मेरे लास्ट प्रोडक्ट्स थे जो मैंने निकाले हैं, और इसलिए क्योंकि इन पे इतनी रिसर्च हुई है, क्योंकि एक जमाने में मेरे बहुत बाल गिर रहे थे, और मैंने कमीनो मोटो से लेके जितने भी ऑयल्स हैं, तेल है, अंडा है, दही है, सब ट्राई कर लिया था, लेकिन मेरे बाल, मुझे स्ट्रेस बहुत हो रहा था, मेरे बाल गिर रहे थे, बिल्कुल लटों में गिर रहे थे. मैंने अहद किया कि मैं एक ऐसा सीरम बनाऊंगी जो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता है, क्योंकि मुझे बहुत सीरम्स ने बेवकूफ़ बनाया. आई किड यू नॉट, इसमें मैंने बायोटिन और केराटिन, बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई ग्रेड बायोटिन एंड केराटिन डाला है, और मैंने कोई 0.01% डाल के ऊपर बड़ा बड़ा बायोटिन नहीं लिख दिया है, जो कि लोग करते हैं. और इसको मैं बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बेच रही हूँ. दिस इज़ फॉर मैन एंड दिस इज़ फॉर वेमेन. एंड आप इसको नहाने के बाद भी लगा सकते हैं, आपका बाल ग्रीसी नहीं होगा. ये मर्दों का है, ये मैं आपको अभी, मेरे बाल देखें टोंग हुए हैं, और टोंग बालों को गीले कर दें तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ. आप सिर्फ इसको हल्का सा रूट्स पे छिड़क दें लाइक दिस. कितने पास सही रहेंगे? Like I mean it depends on आपका कितना, कौन से areas में ज़्यादा airfall है. And if you can see foreign dry हो गया, बिल्कुल greasy बाल नहीं हुए, और मेरे जो curls हैं वो भी नहीं खुले. So it's amazing. आप वैसे तो कम से कम इसको दिन में दो दफ़ा लगाया करें,
लेकिन आप जितनी दफा भी लगा लें क्योंकि अच्छा है आपके लिए, बिकॉज इट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स नॉट अ हार्मफुल केमिकल. आज आज कोई है, आज कोई ऐलान है? हाँ ऐलान किस चीज़ परसेंटेज का तो बताया हाँ, नहीं हाँ, आपने, हम तो खत्म करने वाले हैं. यस यस यस. सो बेसिकली अगेन द फोर सीरम्स, यू कैन सी द नंबर्स बिलो, द फोर सीरम्स एंड दीज टू हेयर सीरम्स, ऑल ट्रूली कोमल एंड शुएब मलिक बाय ट्रूली कोमल सीरम्स आर 20% ऑफ, विच इज 1/4 द प्राइस. एंड as usual on Nida's show, I always give 15% off on my products. So, आने वाले इस हफ्ते आप कुछ भी लेंगे आपको 15% off मिलेगा, और अगर आप मेरे beautiful serums लेंगे तो आपको 20% off मिलेगा. जबरदस्त, best of luck Komal. Yes, thank you so much. आप हमारी खवातीन को और हमारे मर्द हजरात को ग्लो करने से, चमकदार लगने से कोई नहीं रोक सकता. Yes, absolutely. And obviously, the more you glow, the healthier you look. I feel like आपको मेकअप की कम जरूरत पड़ती है. बिल्कुल. और आप खुश मिजाज, खुश हाल रखते हैं. इसी खुश मिजाजी के साथ मैं आपको कहती हूँ खुदाफिज़. इंशाल्लाह मिलेंगे कल. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.